Hello? हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एन एकेडमी एंड ऑल्सो वेलकम एम पी थ्री सिक्सटी तो दोस्तों एक बार फिर से मैं अरविंद गुप्ता आपका एम पी थ्री सिक्सटी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आई आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन तो जैसा कि मैं अपने बारे में बता देता हूँ तो मेरा नाम अरविंद गुप्ता है और अभी जो आपकी कंप्यूटर की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं वो मैं ले रहा हूँ और दो साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रहा है मेरा एम पी और एस के अलावा अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की, की फील्ड में ठीक है दोस्तों और अभी हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर एब्रीविएसन तो कंप्यूटर एब्रीविएसन पढ़ रहे हैं दोस्तों हम लगातार और आज इसका चौदह पार्ट है इसके पहले हम आ, पी अल्फ़ाबेट तक के कवर कर चुके हैं और आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे किसके क्यू आर एस एन टी चार करेंगे क्योंकि मैंने बोला था कि एक दो दिन के अंदर अंदर हम इनको ख़त्म करेंगे क्योंकि बहुत से बच्चों के फ़ोन आ रहे थे मैसेज आया मेरे पास पर्सनली कि सर इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में कंप्लीट करा दीजिए और एक नए टॉपिक स्टार्ट कीजिए स्टैटिक जीके की डिमांड हो रही थी और कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे तो मैं स्टैटिक जीके स्टार्ट करूँगा और स्टैटिक जीके आपका स्टार्ट होगा सत्ताईस तारीख से सत्ताईस तारीख से आपका स्टैटिक जी स्टार्ट होगा ठीक है दोस्तों तो आज हम पढ़ेंगे क्यू आर एस और टी से स्टार्ट होने वाले आपके एब्रीविएसन ठीक है दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसके पहले अगर आप अनकेडमी से जुड़ेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे वो भी देखते हैं आपको यहाँ पे मिलेंगे दोस्तों डेली लाइव क्लासेस डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं दोस्तों जहाँ पे आप अपने एजुकेटर के साथ अपने टीचर के साथ लाइव इंटरेक्शन के जरिए जुड़ जुड़ सकते हैं और अपनी सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं अपनी चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे स्ट्रक्चर्स खोज रहते हैं दोस्तों जिनमें आप अपने जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उस एग्ज़ाम का कम्प्लीट सिलेबस आपको सिंगल प्लेटफॉर्म पे एन के इन एम के जो बेस्ट एजुकेटर हैं 50 से ज़्यादा एजुकेटर हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो एजुकेटर आपके कोर्स को कंप्लीट करवाते हैं बिल्कुल सही समय पे ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके लाइव टेस्ट मिलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्विजेंस मिलते हैं ताकि आप की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सके जैसा कि अभी नए सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको बीस से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाएंगे ठीक है दोस्तों पच्चीस से ज़्यादा लाइव क्लासेस रहेंगी उसकी भी इन्फॉमेशन मैं आपको भी दूंगा और जैसे कि रोज़ सुबह साढ़े सात बजे मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट की प्रिपरेशन कराता हूँ अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर स्पेशल क्लासेस में तो आप वहाँ पर प्रैक्टिस सेट कर पाते हैं आप देखते हैं कि आपकी प्रिपरेशन लाइव प्रिपरेशन लाइव मूड में आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे ट्रैक कर पाते हो ये चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हो और इसके अलावा दोस्तों आपको मिल लेते हैं यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस अनलिमिटेड एक्सेस में दोस्तों आप लाइव क्लासेस के बाद वीडियो को कभी भी कितनी बार देख सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ठीक है दोस्तों तो ये कुछ फीचर्स थे अब फीचर्स के अलावा दोस्तों ये यहाँ पे आपको जो सब्सक्रिप्शन है सब्सक्रिप्शन की प्लान आपके सामने दिए गए हैं जिसमें वन मंथ का जो प्लान है वो आपका आ, बंद करूँ सब्सक्रिप्शन का जो प्लान है वन मंथ का है आपका सिक्सटीन हंड्रेड का सोलह सौ रुपये का बारह महीने का प्लान है आपका अट्ठासी सौ रुपए का और चौबीस महीने यानी कि दो साल का जो प्लान है वो है दोस्तों आपका बारह हज़ार आठ सौ रुपये का लेकिन दोस्तों इस प्लान के साथ अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे देखिए नीचे तो रहा है अरविंद वन मेरा कोड तो अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे दोस्तों मेरा कोड ये लिखा हुआ है दोस्तों अरविंद वन ए आर वी आई एन डी अरविंद वन कोड मेरा ऊपर भी लिखा हुआ है अरविंद वन कोड यूज़ करेंगे तो आपको इस सब्सक्रिप्शन प्लान में मिलेंगे दस परसेंट के डिस्काउंट जहां एक साल का आपका हो जाएगा सात हज़ार नौ सौ बीस रुपये का और दो साल का हो जाएगा ग्यारह हज़ार पाँच सौ बीस रुपये का तो दोस्तों आज ही परचेज कीजिए और मिनिमम एक साल या दो साल का ही सब्सक्रिप्शन लीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन ट्रैक पर बनी रहे और अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन चलती रहे ठीक है दोस्तों क्योंकि कोई भी सिलेबस है वो कंप्लीट कराने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है और आपको फिर उसको रिवाइज करने में थोड़ा टाइम लगता है तो आप कम से कम एक साल या दो साल का सब्सक्रिप्शन ही परचेज करें और मेरा कोड जरूर यूज करें अरविंद वन और जिससे आपको दस परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों इस सब्सक्रिप्शन के प्लान के साथ कुछ नए फीचर्स जुड़े गए हैं अनअकैडमी में रिसेंटली उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं तो जो नए फीचर्स जुड़े गए हैं दोस्तों वो क्या हैं वो हैं आपके ये दो साल और टू ईयर्स प्रीलिम्स में बैच जो है वो सिक्सटीन अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है आपका दो साल का प्रेम्स मेंस का बैच है दोस्तों फाउंडेशन बैच है जिसमें आंसर राइटिंग भी आपको कराई जाएगी वो 16 तारीख से स्टार्ट हो गया है 10 महीने का प्रेम्स मेंस बैच का है वो 14 तारीख से स्टार्ट हो गया है जिसमें पच्चीस हज़ार से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराए जाएंगे और कुछ हाईलाइट थी और इसके बाद ये देखिए मेन फीचर्स हैं कि आपको एक साल और दो साल की फाउंडेशन कोर्स मिलेंगे अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान प्लस कोर्स खरीदते हैं चार महीने के आपको अलग अलग एम पी के फिल्म एम पी पुलिस आदि के कोर्सेज़ मिलेंगे जो चार महीने में आपके कंप्लीट कराए जाएंगे पचास से ज़्यादा जैसा कि मैंने बताया एजुकेटर हैं आपके लिए यहाँ पे पच्चीस सौ से ज़्यादा लाइव क्लासेस आपकी एक महीने में कंडक्ट कराई जाएँगे दोस्तों आपको करंट मैगजीन मिलेंगी मैगजीन का रोल कितना ज़्यादा रहता है आपकी तैयारी में आप जानते ही हैं और वो भी हिंदी इंग्लिश बाई लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी बीस से ज़्यादा एम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे सभी सब्जेक्ट्स के मूक टेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे सभी जितने भी एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड और एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव और है कि टी ट्वेंटी 20 बीस मिनट में बीस क्वेश्चन आपको एनालिसिस के साथ कराए जाएंगे ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर दोस्तों आपके साथ जोड़े गए हैं तो सब्सक्रिप्शन uh, प्लान में जो अभी रिसेंटली एड हुए हैं तो जिनने पहले से ही परचेज कर रखा है उन्हें भी मिलेगा और जो अभी परचेज करेंगे उन्हें भी ये फीचर्स मिलेंगे तो दोस्तों इन फीचर्स के साथ इतने सारे नए फीचर जुड़े गए हैं नई चीज़ें जुड़ी गई हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार से आपकी प्रिपरेशन में कोई बाधा ना आए ठीक है तो दोस्तों आज ही सब्सक्रिप्शन प्लान लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को एक नया आयाम दीजिए चलिए तो आज का जो हमारा आज थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है दोस्तों क्योंकि आज हमने चार अल्फ़ाबेट लिए हैं तो जुड़े रहिएगा क्लास में चार अल्फ़ाबेट हमने लिए हुए हैं क्यू डी आर आज हमारा पहला है क्यू अल्फ़ाबेट है फिर आर है फिर एस और टी है एल्फाबेट से रिलेटेड आज हमने लिए हैं तो करीब करीब 40-50 एवरीविएशन होंगे तो सभी कंप्लीट करेंगे थोड़ा सा हो सकता है क्लास लंबी हो जाए एक डेढ़ घंटे की क्लास हो जाए तो आप लोग जुड़े रहेंगे तो पहला है क्यूडीआर क्यूडीआर का फुल फॉर्म बताएंगे तो क्यूडीआर का फुल फॉर्म है दोस्तों क्वाड डाटा रेट क्या है क्वाड डेटा रेट ठीक है तो देखिए क्वाड से ही समझ में आ गया आपका क्वाड का मतलब क्या होता है कि चार ठीक है क्वाड डेटा रेट याद रखेंगे क्यूडीआर क्वाड डेटा रेट तो क्वारट से ही मतलब होता है जैसे सिंगल का मतलब होता है वन डबल देखिए इसमें चार होते हैं सिंगल डेटा रेट और डबल डेटा रेट और क्वार डेटा रेट तो सिंगल में एक सिग्नल और डबल में दो सिग्नल चलते हैं और एक क्लॉक सिस्टम में एक क्लॉक साइकिल uh, में और क्वाड में चार सिग्नल चलते हैं एक क्लॉक साइकिल में ठीक है दोस्तों इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने थोड़ी सी ये रही क्वाइड डेटा रेट और क्वाइट पंपिंग इज अ कम्युनिकेशन सिग्नलिंग टेक्निक वेयर इन डेटा आर ट्रांसमिट एट फोर पॉइंट इन द क्लॉक साइकिल ऑन द राइजिंग एंड फॉलिंग एज तो दोस्तों राइजिंग एंड फॉलिंग एज में डेटा ट्रांसमिट होता है और एक क्लॉक साइकिल में चार सिग्नल जब ट्रांसमिट uh, किए जाते हैं तब वो होता है आपका क्वाइट डेटा रेट और डबल डेटा रेट में दो सिग्नल एक क्लॉक सा, एक साइकिल में दो सिग्नल आपके ट्रांसमिट किए जाते हैं और सिंगल डेटा रेट में एक सिग्नल एक क्लॉक साइकिल में ट्रांसमिट किया जाता है ठीक है दोस्तों याद रखेंगे ये चीज नेक्स्ट है आपका क्यू एफ पी क्यू एफ पी का फुल फॉर्म बताना है आपको क्यू एफ पी का फुल फॉर्म क्या है क्यू एफ पी का फुल फॉर्म बताएंगे तो चलिए दोस्तों क्यू एफ पी का फुल फॉर्म है आपका क्वाड फ्लैट पैकेज क्या है दोस्तों क्वाड फ्लैट पैकेज याद रखेंगे क्यू एफ पी का फुल फॉर्म जो है दोस्तों आपका वो है quiet flat package. इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ तो दोस्तों ये रहा। आपके सामने एक चिप दी गई है दिखाई दे रही है इमेज आपके सामने ये दिख रही है इमेज तो ये आपकी आ, एक क्वाइट फ्लैट पैकेज है जो कि क्या होता है इज अ सरफेस माउंटेड इंटीग्रेटेड सर्किट पैकेज ठीक है देखिए याद रखेंगे क्या होता है सरफेस माउंटेड इंटीग्रेटेड सर्किट पैकेज होता है दोस्तों ये इस आपके सामने इसका एग्जाम्पल ये डिवाइस दी गई है सामने अब इसमें क्या होता है विथ गुल विंग ठीक है किसके साथ गुल विंग लीड एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईच ऑफ द फोर साइड ठीक है देखो चारों साइड इसमें अलग अलग ये पिन निकली हुई हैं और देखिए पिन जो है वो फिक्स हैं और जो स्पेस है वो भी फिक्स है वही आगे लिखा होगा सॉक्टिंग सच पैकेज इज रेयर एंड थोर होल माउंटिंग इन इज़ नॉट पॉसिबल वर्जन रेंगिंग फ्रॉम थर्टी टू टू थ्री जीरो फोर पिन विद पिच रेंगिंग फ्रॉम जीरो पॉइंट फोर टू वन पॉइंट जीरो एम एम आर कॉमन दोस्तों इसमें थर्टी टू से लेकर तीन सौ चार पिन तक हो सकती हैं और जिसमें स्पेस जो होगा आपका वो फिक्स होगा जीरो पॉइंट फोर से लेकर वन पॉइंट जीरो एम एम तक ठीक है तो एग्जाम्पल है ये आपकी मदरबोर्ड में जुड़ी रहती है एक component, uh, component है तो याद रखेंगे है आपके सामने क्यू ओ एस क्यू ओ एस का फुल फॉर्म बताना है आपको क्यू ओ एस तो क्यू ओ एस का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है ये आपके सामने रहा क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है क्यू ओ एस तो क्यू ओ एस का फुल फॉर्म है दोस्तों आपका क्वालिटी ऑफ सर्विस याद रखेंगे क्यू ओ एस तो क्यू ओ एस का फुल फॉर्म है क्वालिटी ऑफ सर्विस ठीक है तो इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ सॉरी क्यू ओ एफ का याद रखेंगे क्वालिटी ऑफ सर्विस ठीक है तो नॉर्मल जो आप सर्विस क्वालिटी होती है उससे रिलेटेड ही होता है क्यू ओ तो याद रखेंगे चलिए नेक्स्ट है आपके सामने क्यू एफ पी क्यू एफ पी का फुल फॉर्म बताना है आपको क्यू एफ पी क्यू एफ पी का फुल फॉर्म बताएंगे ठीक है तो क्यू एफ पी का फुल फॉर्म है दोस्तों क्विक फाइल एक्सेस क्या है दोस्तों क्विक फाइल एक्सेस तो दोस्तों ये आपके विंडोज टेन का एक शॉर्टकट होता है क्विक फाइल एक्सेस देखिए उसमें समझ में ही आ रहा है फाइल एक्सेस किस तरीके से क्विक तरीके से क्विक तो फाइल एक्सेस एक शॉर्टकट बोल सकते हैं इसको एक फंक्शन है इसके बारे में देखते हैं तो याद रखिएगा क्विक फाइल एक्सेस आपके विंडोज टेन में एक फंक्शंस होता है जो आप जब आप माई कंप्यूटर खोलेंगे या फाइल मेन्यू खोलेंगे तो उसमें सबसे ऊपर आपका क्विक फाइल एक्सेस का ऑप्शन रहता है वहाँ उसको इंस्ट्रक्शन दे आप इसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं तो क्यू या पिक क्यू फाइल क्विक फाइल एक्सेस नेक्स्ट है दोस्तों आर ई डी क्यू से रिलेटेड चार ही थे जो खत्म हो गए हैं अब आपका आता है आर ई डी आर से रिलेटेड करीब दस बारह होंगे वैसे एस से रिलेटेड थोड़ी दस पंद्रह होंगे और टी से रिलेटेड ओनली टेन होंगे तो तीस बत्तीस के समथिंग और हमारे बच रहे होंगे तो वो और हम कंप्लीट करेंगे थोड़ा सा अगर आप बोलेंगे तो स्पीड में मैं भी करा सकता हूँ लेकिन आ, क्योंकि थोड़े से टफ टाइप के हैं तो आराम आराम से करेंगे हम कोई दिक्कत नहीं है आर का फुल फॉर्म बताएंगे तो आर का फुल फॉर्म है दोस्तों रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आर याद रखेंगे ये एग्जामों में पूछा जाता है इम्पॉर्टेंट है तो जो इम्पोर्टेंट होंगे उन्हें थोड़ा सा अच्छे से बता दूंगा मैं जो नॉर्मल होंगे उनको जल्दी से थोड़ा सा कवर करवा दूंगा तो आर जो है वो दोस्तों उसका फुल फॉर्म होता है आपका रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट आर से रैपिड ए से एप्लीकेशन डी से डेवलपमेंट याद रखेंगे इस चीज़ को चलिए इसके बारे में जानते हैं तो आर मॉडल का पूरा नाम है दोस्तों आपका रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट जिसमें क्या होता है आर मॉडल की कार्यविधि जो है वह इंक्रीमेंटल या वाटरफॉल मॉडल की तरह की समान होती है तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आर एडी मॉडल में आ, किस तरीके की टेक्नोलॉजी होती है तो आपको लिखना है वाटरफॉल मॉडल के समान इसका प्रयोग छोटे प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है यदि प्रोजेक्ट बड़ा है तो उसमें बहुत सारे छोटे प्रोजेक्ट के रूप में विभाजित कर लिया जाता है और इन छोटे प्रोजेक्ट की एक एक करके प्लानिंग की जाती है तथा इन्हें पूरा किया जाता है इस प्रकार छोटे प्रोजेक्ट को पूरा करके बड़ा प्रोजेक्ट जल्दी तैयार किया जाता है तो अगर सिंपल भाषा में बोलूं दोस्तों तो ये रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल है एक क्या है आर के कोई भी अगर आपको सॉफ्टवेयर कोई भी वर्क मिला उसमें ज़्यादा त्रुटि भी ना हो ज़्यादा एरर भी ना हो क्योंकि एक बंदा एक ही काम करेगा तो वो बहुत अच्छे तरीके से करेगा और फिर उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके आपकी जो एप्लीकेशन है वो जल्दी कर, करवा दी जाती है तो कम समय में एक अच्छा प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है बड़ा प्रोजेक्ट भी रेडी हो जाता है तो ये आपका आर यानी कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल ठीक है चलिए नेक्स्ट आपके सामने रेडियस आर ए डी आई यूएस तो इसका फुल फॉर्म बताना है आपने को आर ए डी आई रेडियस का फुल फॉर्म बताना है चलिए तो रेडियस का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है आपका रिमोट अथेंसिएशन डायल इन यूजर सर्विस याद रखेंगे रेडियस का फुल फॉर्म जो है रिमोट ऑथेंसी डायल इन यूजर सर्विस याद रखेंगे रेडियस का फुल फॉर्म रिमोट ऑथेंसीसन डायल इन यूजर सर्विस ठीक है तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपके सामने ये रही दोस्तों कि रिमोट ऑथेंसीसन डायल इन यूजर सर्विस इज़ अ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल ये क्या है आपका एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है ऑपरेटिंग ऑन पोर्ट इस पर ऑपरेट uh, होता है ये पोर्ट एट्टीन टवेल्व पर दैट प्रोवाइड सेंट्रलाइज ऑथेंसीनजन एंड अकाउंटिंग मैनेजमेंट फॉर यूजर यूजर के लिए जो प्रोवाइड कराता है सेंट्रलाइज ऑथेंसीजेशन एंड अकाउंटिंग मैनेजमेंट हु कनेक्ट एंड यूज नेटवर्क सर्विस जो इसको कनेक्ट करते हैं नेटवर्क सर्विस यूज करेंगे ठीक है नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने आर ए डी इंपॉर्टेंट है आर ए डी भी रेड आर ए डी इंपॉर्टेंट है दोस्तों तो इसका भी याद रखेंगे आर ए आई डी आर ए आई डी आर ए डी भी इम्पोर्टेंट था अब उसके बाद आता है आर ए आई डी तो आर ए आई डी का फुल फॉर्म भी आपको बताना है आपको वॉइस आ रही है दोस्तों आर आई डी इम्पोर्टेंट है दोस्तों कभी याद रखेंगे आर ए आई डी आर ए आई डी आर डी इंपॉर्टेंट था अब उसके बाद आता है आर ए आई डी आर ए आई डी का फुल फॉर्म भी आपको बताना है चलिए तो आर का फुल फॉर्म हम देखते हैं इसका फुल फॉर्म है दोस्तों रिडेंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क क्या है दोस्तों रिडेंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क तो याद रखेंगे रिडेंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क तो देखो रिडेंडेंट या रिडेंडेंसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि रिडेंडेंसी क्या होता है कि कोई भी एक फाइल को अलग अलग जगह कॉपी करना वो रिडेंडेंसी होता है और डी जो आपका डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वो रिडेंडेंसी को कम कर देता है ताकि आपकी फाइल इजीली आपको अच्छी जगह सुरक्षित भी हो सके और जब चाहे आप उसको ढूंढ सकें अब इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं क्या होता है तो आर ए आई डी रेट इज अ डेटा स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी दैट कम्बाइंस मल्टीपल फिजिकल डिस्क ड्राइव कंपोनेंट इन टू वन और मोर लॉजिकल यूनिट तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपकी मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा डिस्क ड्राइव कंपोनेंट को एक या एक से अधिक उसमें जोड़ते हैं अधिकतर क्या होता है कि आपकी कई सारी डिस्क ड्राइव को जोड़ के एक ड्राइव बनाई जाती है ठीक है दोस्तों मोर लॉजिकल यूनिट फॉर द पर्पज़ ऑफ डेटा अटेंडेंसी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट और बोथ तो देखिए मैंने बताया ये कि डेटा अटेंडेंसी और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए या दोनों के लिए तो डेटा रिटेंडेंसी आपको बताया ही है कि डेटा रिटेंडेंसी क्या होती है कि आपका एक ही प्रकार का डेटा कई अलग अलग जगह कॉपी हो जाता है तो उन सबको सेंट्रलाइज करना एक ही जगह पर सुरक्षित रखना और आपकी जो डिवाइस की डेटा की खोजने की या बाकी रखने की क्षमता को भी इम्प्रूव करने की परफॉर्मेंस जो आपकी होगी डेटा कॉपी करने की या उसको सर्च करने की तो वो परफॉर्मेंस जो भी उसको भी इम्प्रूव करने का वर्क करता है ठीक है दोस्तों चलिए नेक्स्ट है आपके सामने आर ए आई टी अभी पढ़ा आपने आर ए आई डी अब आपके सामने आर ए आई टी तो आर ए आई टी का फुल फॉर्म बताएंगे आप लोग आर ए आई टी आर ए आई टी का फुल फॉर्म बताएंगे चलिए तो आर ए आई टी का फुल फॉर्म है दोस्तों सॉरी आर ए आई टी का फुल फॉर्म है दोस्तों आपका रिडेंडेंट अरे ऑफ इनएक्सपेंसिव टेप्स याद रखेंगे रिडेंडेंट अरे ऑफ इनएक्सपेंसिव टेप्स ठीक है याद रखेंगे रेड का फुल फॉर्म क्या है आर ए आई टी का फुल फॉर्म क्या है रिडेंडेंट अरे ऑफ इनएक्सपेंसिव ठीक है चलो इसके बारे में भी जानते हैं क्या होता है तो आर ए आई टी इज एन एक्रोनिम फॉर रिडेंडेंट अरे ऑफ इनएक्सपेंसिव टेप्स बेयर जहां डेटा इज स्ट्रिप्ड ओवर सेवरल टेप्स ड्राइव जो आपका डेटा होता है वो अलग अलग टेप ड्राइव में स्ट्रिप किया जाता है विद वन ड्राइव राइटिंग विद वन ड्राइव राइटिंग एंड एक्सक्लूसिव और सम ऑफ द अदर विच कैन बी यूज फॉर एरर रिकवरी ठीक है दोस्तों तो याद रखेंगे आप आर ए आई टी के संबंध में चलिए नेक्स्ट है आपके सामने रैम और इसका तो आप सभी लोगों को पता होगा कि रैम का फुल फॉर्म क्या है तो आंसर देंगे रैम का फुल फॉर्म क्या है तो दोस्तों आपका रैम का फुल फॉर्म है रेंडम एक्सेस मेमोरी क्या है बहुत अच्छे से जानते हैं कंप्यूटर का बहुत कॉमन वर्ड है तो आपको बहुत अच्छे से आता है तो रैम का जो फुल फॉर्म है वो है दोस्तों आपका रेंडम एक्सेस मेमोरी क्या है रेंडम एक्सेस मेमोरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पुलिस के एग्ज़ाम में इस टाइप के पूछे जाते हैं तो याद रखेंगे जो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म है रेंडम एक्सेस मेमोरी वो बाकी जो एब्रीविएशन करा रहा हूँ वो आपको एम के लेवल तक के करा रहा हूँ बाकी अगर आप एम पुलिस आ, का एग्जाम दे रहे हैं पटवारी का एग्जाम दे रहे हैं तो आप में उसमें इस टाइप के आपके पूछे जाते हैं तो रैम का फुल फॉर्म है रेंडम एक्सेस मेमोरी तो रेंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है आपकी रैम क्या होती है दोस्तों तो रैम आपके कंप्यूटर की एक वॉलेटाइल मेमोरी है यानी कि आपकी अस्थाई मेमोरी है जो भी वर्क आप करते हो कंप्यूटर का जब आप ऑन होता है आपका कंप्यूटर तो रैम पर होता है वो रैम पर लोड होकर होता है कोई भी वर्क करते हो आप तो वो पहले जो सारा काम आप कर रहे होते हो वो रैम पर होता है एक स्टोरेज डिवाइस है आपकी ये कंप्यूटर की लेकिन अस्थाई स्टोरेज डिवाइस है तो जो भी वर्क कर रहे होते हो वो आप रैम पर करते हो अगर सडनली आपकी लाइट चली जाती है और वो डेटा आप सेव नहीं कर पाते हो तो वो आपका जो डेटा है वो गायब हो जाएगा लेकिन आप उसको सेव करके सेकेंडरी मेमोरी में या स्थाई मेमोरी में नॉन वोलेटाइल मेमोरी में, में, में सेव कर देते हो तो वो डेटा लाइट जाने के बाद भी आपको मिल जाता है तो ये आपका दोस्तों रैम रेंडम एक्सेस मेमोरी याद रखेंगे इसके बारे में भी चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे तो अब आता है आपका आर ए आर पी आर ए आर पी का फुल फॉर्म बताना है आपको आर ए आर पी का फुल फॉर्म बताइए आर ए आर पी तो चलिए दोस्तों आर ए आर पी का फुल फॉर्म देखते हैं तो आर ए आर पी का फुल फॉर्म है दोस्तों आपका रिवर्स एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों रिवर्स एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल तो ये भी आपका एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है आर ए आर पी तो आर से रिजर्व रिवर्स सॉरी आर से रिवर्स ए से एड्रेस आर से रिसोल्यूशन और पी से प्रोटोकॉल तो याद रखेंगे रिवर्स एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल आर ए आर पी ठीक है इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपके सामने ये रही तो आर ए आर पी का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म जो है आपके सामने वो दिया गया है रिवर्स एड्रेस डिसोल्यूशन प्रोटोकॉल ठीक है यह एक कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि ये भी आपको एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है याद रखेंगे ये चीज भी जिसका प्रयोग क्लाइंट कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है क्लाइंट कंप्यूटर इसका प्रयोग कंप्यूटर नेटवर्क से खुद के इंटरनेट प्रोटोकॉल आई वी फोर की जानकारी को प्राप्त करने के लिए करता है तो इसका यूज किस लिए होता है दोस्तों कि आपके जो क्लाइंट कंप्यूटर इसका उपयोग करते हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क से खुद के जुड़े आईपी एड्रेस को या इंटरनेट प्रोटोकॉल की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है ठीक है याद रखेंगे आर ए आर पी रिवर्स एड्रेस रिसोल्यूसन प्रोटोकॉल नेक्स्ट दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर डी वी एम एस बताना है आपको RDVMS, आर डी वी एम एस वेरी इम्पोर्टेंट हर प्रकार के एग्जामों में पूछा जाता है आपका आर डी एम एस इसके बारे में भी कि ये क्या है और इसका फुल फॉर्म भी तो आप लोगों को आंसर देना है आर डी बी एम एस एक तो डी एम एस होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसी का पार्ट होता है आपका आर डी एम एस आपको फुल फॉर्म बताना है तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है आपके सामने ये रहा रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम याद रखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका पार्ट भी आपका आर डी बी एम एस का ये याद रखेंगे क्या फुल फॉर्म है रिलेशन डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है आर डी बी एम एस का रिलेशन डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम याद रखेंगे आर डी बी एम एस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ बार बार रिलेशन डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम चलिए इसके बारे में जानते हैं तो आपका क्या होता है आर डी वी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है दोस्तों ठीक है क्या होता है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो कि रिलेशन मॉडल बेस्ड होता है किससे होता है रिलेशनल डेटा सॉरी रिलेशनल मॉडल बेस्ड होता है आर एक ऐसा डेटाबेस होता है जो कि डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर करता है किसमें स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर करता है ऐसा करने से डेटाबेस में स्टोर किसी भी वैल्यू को लोकेट और सर्च करना बहुत ही आसान हो जाता है क्या हो जाता है इससे दोस्तों कि आपकी जो भी कोई वैल्यू है उसको लोकेट करने में सर्च करने में आसानी होती है इसको रिलेशनल कहा जाता है क्योंकि जो भी वैल्यू और डेटा data है डेटा बेस के किसी भी किसी टेबल में स्टोर होता है यह सब आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं यह टेबल का डेटा तो आपस में रिलेटेड होता ही है बल्कि डेटा बेस की बहुत सारी टेबल्स भी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं तो आर टी वी एम एस या रिलेशन स्ट्रक्चर बहुत सारी टेबल की एक साथ क्वेरीज रन करना पॉसिबल करता है आर डी एम एस को डी बी एम एस ई एस का सब्जेक्ट भी कहते हैं तो आर डी बी एम एस दोस्तों जनरली क्या होता है डी बी एम एस का एक पार्ट होता है जो टेबल फॉर्मेट में आपके डेटा को सेव करता है जैसे आप अपने एम एस एक्सएल पर टेबल में डेटा वो करते हैं टाइप करते हैं वैसे ही टेबल के फॉर्मेट में डेटा को सेव करता है आपका जो डी बी एम एस करता है वो आपका प्रोसेस होता है टाइप होता है आर डी बी एम एस यानी कि रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम याद रखेंगे आपसे क्वेश्चन अगर यह भी पूछा जाए कि रिलेशनल रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा किस टाइप से टाइप किया स्टोर किया जाता है तो वो टेबल के रूप में किया जाता है ठीक है दोस्तों याद रखेंगे अब आता है आर डी एफ आर डी एफ का फुल फॉर्म बताना है आर डी एफ का फुल फॉर्म बताना है आपको अल्फाबेट हमारा खत्म हो चुका है अभी हम बात कर रहे हैं आर अल्फाबेट से आर अल्फाबेट के बाद स्टार्ट करेंगे हम एस और टी एक से डेढ़ घंटे ही क्लास होगी आज की तो सभी लोग जुड़े रहेंगे अब आता है आरडीएफ तो आरडीएफ का फुल फॉर्म है दोस्तों आपका रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क क्या है दोस्तों आपका रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क ठीक है याद रखेंगे आरडीएफ का फुल फॉर्म है आपका रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क ठीक है आर चलिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ आपको तो आर का फुल फॉर्म होता है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क यानी कि आर एक प्रकार का स्पेसिफिकेशन होता है जो कि डिफाइन करता है कि कैसे मेटा डेटा या डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन को फॉर्मेट करना चाहिए यह आर डी एफ मॉडल इस्तेमाल करता है एक सब्जेक्टिव प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट फॉर्मेट को जो कि एक स्टैंडर्डाइज तरीका है किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए तो दोस्तों मेटा डेटा क्या होता है मेटा डेटा होता है कि जो चीज़ आप कंप्यूटर पर कोई चीज़ सर्च करते हो उसका डेटा एक बहुत अच्छे तरीके से मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन को कितने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है वो आपको डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन यानी कि आपका मेटा डेटा मीटर डेटा होता है किसी भी इन्फॉर्मेशन को एक बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यानी कि आपकी कंप्यूटर में आपके इंटरनेट मीडिया में आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ठीक है तो आर डी एफ उसी का पार्ट होता है वही आ, उसका एक स्पेसिफिकेशन होता है जो मीटर डेटा को फॉर्मेट करना मतलब कैसे उसको फॉर्मेट फॉर्मेट इन देंस कैसे उसको सेट करना ठीक है तो आर डी एफ रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क याद रखेंगे नेक्स्ट है दोस्तों रियल आर ई एल आर ई एल तो याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म बताना है आपको आर ई ई एल तो रील का फुल फॉर्म बताएंगे आंसर देंगे सभी लोग आर ई ई एल तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों आपका रिकर्सिव फंक्शंस एल्गोरिदमिक लैंग्वेज क्या है दोस्तों इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे आर से रिकर्सिव सौ दोस्तों यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि थोड़ा सा ये आर एफ ई एल है ठीक है याद रखेंगे नहीं एक मिनट मेरे को याद करने दीजिएगा आर ई ई एल हाँ नहीं नहीं सही है दोस्तों आर ई ई एल ई सही है तो ये होता है आपका रिकर्सिव फंक्शन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज सही है आपको कोई दिक्कत नहीं है आर ई ई एल का फुल फॉर्म होता है रिकर्सिव फंक्शन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज याद रखेंगे नेक्स्ट इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा तो दोस्तों आपका C++ सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसका एक टर्मिनोलॉजी होती है तो क्या होता है बता देता हूँ आपको आ एक एक रिकर्सिव फंक्शन टास्क जो होता है वो सब टास्क में विभाजित करके कार्य करता है फंक्शन में परिवार परिभाषित एक टर्मिनेशन की कंडीशन है जो कुछ विशिष्ट सब टास्क से संतुष्ट है इसके बाद रिकर्सन बंद हो जाता है और अंतिम परिणाम फंक्शन से वापस आ जाता है तो ये दोस्तों जब आप सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उस वहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी होती है वहाँ पर एक फंक्शन होता है रिकर्सिव फंक्शन उसका ये उस चीज़ को डिफाइन करता है याद रखेंगे नेक्स्ट दोस्तों आपका आर एफ आर एफ का फुल फॉर्म बताना है आपको आर एफ का फुल फॉर्म बताना है आर एफ तो आर एफ का फुल फॉर्म है दोस्तों आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी आपका आर एफ का फुल फॉर्म क्या है रेडियो फ्रिक्वेंसी ठीक है दोनों तरीके से इम्पॉर्टेंट है एक तो ये टर्म भी इम्पॉर्टेंट है रेडियो फ्रिक्वेंसी और दूसरा ये शॉर्ट फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है तो दोनों तरीके से याद रखेंगे टर्मिनोलॉजी में आपको समझा देता हूँ तो टर्मिनोलॉजी क्या होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या होती है दोस्तों तो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है दोस्तों तीन किलो हर्ज से लेके तीन सौ गीगा हर्स ठीक है याद रखेंगे इसका वेरिएशन तीन किलो हर्ड से लेके मतलब कि आपका थ्री के एच जेड से लेके थ्री हंड्रेड गीगा हर्ज तक की आवृत्ति वाली तरंगों को रेडियो आवृत्ति मतलब कि आर एफ कहते हैं क्या कहते हैं तीन सौ किलो हर्ज से लेकर तीन सौ गीगा हर्ज तक की आवृत्ति वाली तरंगों को रेडियो आवृत्ति कहते हैं या कि रेडियो फ्रिक्वेंसी कहते हैं रेडियो तरंगे यानी कि रेडियो वेब्स रेडियो बेवस सॉरी रेडियो तरंगे यानी कि रेडियो वेव्स रेडियो फ्रिक्वेंसी की ही तरंगें होती हैं आपकी जो रेडियो तरंगें होती हैं यानी कि रेडियो वेव्स होती हैं वो आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी की ही तरंगें होती हैं और रेडियो फ्रिक्वेंसी के कंपन यानी कि वाइब्रेशन जो होते हैं वो मैकेनिकल हो सकते हैं या इलेक्ट्रिकल हो सकते हैं दोनों ही हो सकते हैं दोस्तों आपके मैकेनिकल वाइब्रेशन भी हो सकते हैं जो रेडियो फ्रिक्वेंसी के वाइब्रेशन हैं वो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल दोनों ही हो सकते हैं किंतु प्राय यानी कि प्राय रेडियो फ्रिक्वेंसी से आशय विद्युत कंपन यानी कि आपके इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन से ही होता है ना कि यांत्रिक कंपन यानी कि मैकेनिकल वाइब्रेशन से तो दोस्तों आपके जो रेडियो फ्रिक्वेंसी उसमें दोनों कंपन हो सकते हैं दोनों वाइब्रेशन हो सकते हैं लेकिन प्राया जनरली जो होता है वो उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी आपके यानी कि इलेक्ट्रॉनिकल वाइब्रेशन ही होते हैं मैकेनिकल नहीं होते हैं ठीक है थीके? याद रखेंगे चलिए नेक्स्ट है आर जी बी आर जी बी का फुल फॉर्म बताना है आपको आर जी बी आर जी बी का फुल फॉर्म बताएंगे चलिए तो आर का फुल फॉर्म देखते हैं आर का फुल फॉर्म क्या है तो आर का फुल फॉर्म है रेड ग्रीन ब्लू क्या है दोस्तों याद रखेंगे आर का रेड ग्रीन ब्लू तो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन है एक मॉडल है जो आपके कंप्यूटर में आप जो भी कलर कॉम्बिनेशन देखते हैं कितने भी कलर हो तीन बेसिक कलर होते हैं रेड ग्रीन और ब्लू और इनसे ही मिलके बाकी कलर बनाए जाते हैं आपके स्क्रीन पर जो डिस्प्ले कलर होते हैं अलग अलग वो इन्हीं से मिलके बनाए जाते हैं ठीक है दोस्तों अब इसी से रिलेटेड एक और आता है आर जी बी ए ये दोस्तों एक और आता है इसी से रिलेटेड आर जी बी ए आर जी बी ए तो आर जी बी तो हो गया आपका रेड ग्रीन ब्लू अब ए से क्या हो जाएगा आपका वो भी बताना है तो आर जी बी ए का फुल फॉर्म होता है आपका रेड ग्रीन ब्लू अल्फा क्या होता है दोस्तों रेड ग्रीन ब्लू अल्फा तो आर जी बी ए याद रखेंगे रेड ग्रीन ब्लू अल्फ़ा ठीक है रेड ग्रीन ब्लू अल्फ़ा आर जी बी ए का फुल फॉर्म है रेड ग्रीन ब्लू अल्फा ठीक है याद रखेंगे चलिए इसी के इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ तो देखिए ये मॉडल है आपका दिख रहा होगा कि जो रेड ग्रीन ब्लू अल्फ़ा के जो मॉडल है वो इस तरीके से बनाया जाता है आपको इसमें जो बेसिक कलर है वो चार ही हैं रेड ग्रीन ब्लू अल्फ़ा और बाकी जो आपको एक कलर मिक्स है वो उसमें अलग अलग करके बनाए गए हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं तो आर जी बी स्टैंड फॉर रेड ग्रीन ब्लू अल्फ़ा बाइल इट इज़ समिस्क्राइबड एज अ कलर स्पेस ठीक है कलर स्पेस के लिए डिस्क्राइब किया जाता है इसको इट इज़ एक्चुअली द थ्री चैनल आर जी बी देखो एक्चुअल में क्या है ये तीन ही कलर है आर जी बी रेड ग्रीन ब्लू कलर मॉडल सप्लीमेंटेड विद अ फोर्थ अल्फा चैनल अच्छा सॉरी तो ये क्या होता है सप्लीमेंटेड किसके साथ होते हैं फोर्थ अल्फा चैनल के साथ ये तीनों कलर को मिला के इसको बनाया जाता है इस मॉडल को ठीक है याद रखेंगे चलिए नेक्स्ट आता है आर आई पी अब इस आर आई पी का मतलब रेस्ट इन पीस मत समझना दोस्तों आर आई पी कंप्यूटर से रिलेटेड है तो आर आई पी का फुल फॉर्म बताएं क्या है आर आई पी का फुल फॉर्म बताएंगे आर आई पी तो आर आई पी का फुल फॉर्म है दोस्तों आपका राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल ये भी आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल है लेकिन किस चीज़ के लिए राउटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए ठीक है तो क्या है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल ठीक है याद रखेंगे राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल आर से राउटिंग आई से इन्फॉर्मेशन और पी से प्रोटोकॉल तो आर आई पी का फुल फॉर्म है आपका राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल अब इसके बारे में भी इंफॉमेशन देख लेते हैं क्या होता है आपका आर आई पी तो राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल या आर आई पी एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। याद रखेंगे कैसा प्रोटोकॉल एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है जो होप काउंट को एक राउटिंग के माप के तौर पर प्रयोग करता है आपकी जो होप काउंट होती हैं उनको एक राउटिंग मतलब एक सिंगल राउटिंग के लिए आ, काउंट करता है या माप करता है और इसी के द्वारा वो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच सबसे छोटे रास्ते की गणना कर लेता है इसी के द्वारा वो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच मतलब जहाँ भी डेटा को सोर्स जो होगा या जहाँ जा रहा होगा उन दोनों के बीच ही सबसे जो सिंपल रास्ता होगा उसकी गणना कर लेगा कैलकुलेशन कर लेगा एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है यह जो है आपका डिस्टेंस वेक्टर वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है जिसका ए डी वैल्यू जो होती है वो 120 होती है याद रखेंगे इसकी ए डी वैल्यू 120 होती है और ये ओपन सिस्टम इंटरकनिक्सन मॉडल यानी कि ओ एस आई के एप्लीकेशन लेयर uh, पर वर्क करता है ये पोर्ट संख्या पाँच सौ बीस पर काम करता है फाइव ट्वेंटी पर वर्क करता है चलिए तो ये था आपका राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल आर आई पी अब आता है नेक्स्ट रोम तो रोम के बारे में तो आपको पता होगा बहुत ही सिंपल है आपका रैम और रोम दोनों ही कंप्यूटर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पार्ट भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट याद रखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों रोम के बारे में इसकी फुल फॉर्म भी और इसका टर्मिनोलॉजी भी तो दोनों याद रखेंगे रोम तो रोम का फुल फॉर्म है दोस्तों आपका रीड ओनली मेमोरी याद रखेंगे क्या फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी रीड ओनली मेमोरी तो रैम आपकी क्या थी अस्थाई मेमोरी थी यानी कि आपकी वॉलेटाइल मेमोरी थी वॉलेटाइल थी कौन आपकी रैम और जो रोम है आपकी तो रोम है आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है दोस्तों आपकी हिंदी में बोलते हैं इसको स्थाई मेमोरी ठीक है तो आपका क्या होता है कि जब डेटा आप वर्क कर रहे होते हो तो रोम पे अगर वर्क कर रहे हो तो डेटा सेव होगा तो वो डेटा आपका कंप्यूटर से जाएगा नहीं लाइट जाने के बाद भी ठीक है तो रीड ऑनली मेमोरी आपकी स्थाई मेमोरी होती है कोई भी डेटा इसमें सेव हो जाएगा तो वो आपका सेव बना रहेगा ठीक है तो ये रोम था रैम आपने पहले समझ लिया था नेक्स्ट आते हैं आर ओ एम बी अभी आपने रोम समझा अब रोम के बाद आता है रोम बी ROMB ओ एम बी रोम बताना है इसका फुल फॉर्म क्या है आंसर देंगे आर ओ एम बी चलिए तो आर ओ एम बी का फुल फॉर्म है दोस्तों आपका रीड आउट मदरबोर्ड क्या है दोस्तों इसका फुल फॉर्म रीड आउट मदरबोर्ड रोम का फुल फॉर्म है दोस्तों रीड आउट मदरबोर्ड तो दोस्तों जनरली इन सिंपल भाषा में मदरबोर्ड की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए रोम कमांड या रोम का यूज किया जाता है तो रोम जो है आपका रीड आउट मदर बोर्ड है ठीक है कुछ इन्फॉर्मेशन है जैसे कैसे आप इससे प्राप्त कैसे प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको अपने मदर बोर्ड की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दो इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने पड़ेंगे सबको सबसे पहले आपको विंडोज़ बटन दबाना है फिर तो उसके बाद टाइप करना है जैसे एम एस आई एन थर्टी टू ठीक है एंड क्लिक द आइकन ऑफ द डेस्कटॉप ऐप ठीक है तो उसके बाद डेस्कटॉप ऐप का आइकन दिखेगा उस पर क्लिक करेंगे ठीक है तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहां आपको फिर क्या करना है यू कैन रीड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैन्युफैक्चर ऑफ द मदर बोर्ड एंड द मदर बोर्ड तो वहां से आप देखिए क्या है रीड आउट मदर बोर्ड मदर बोर्ड के जानने के लिए आपका जो रोम था वो है तो वो कैसे जान सकते हैं मदरबोर्ड के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको बता दी आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं आप अपने कंप्यूटर में कि कैसे आपका जो मैनुफैक्चर है मदरबोर्ड किसने बनाया है और मदरबोर्ड का नेम क्या है वो आपको पता चल जाएगा फिर इसके बाद आता है रोम डोस तो ये दो अलग अलग टर्म है आपके सामने एक आपको रोम और दूसरा डोस तो दोनों अलग अलग हैं दोनों ही आपको पता होने चाहिए तो सिंपल हैं तो आपको बता देता हूँ मैं कि दोनों ही क्या है एक तो आपका रोम है और दूसरा है डॉस तो दोनों ही अलग अलग टर्म है और रोम आप जानते हैं रीड ओनली मेमोरी वैसे ही आप जानते हैं डॉस के बारे में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम फुल फॉर्म बताइए बताएंगे दोस्तों आर टी फुल फॉर्म क्या है चलिए तो आर टी ओ एस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आई टी ओ एस याद रखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप है प्रकार है और बहुत इंपॉर्टेंट है टर्मिनोलॉजी भी और फुल फॉर्म भी इसका याद रखेंगे आर टी ओ एस क्या मतलब है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम चलिए दोस्तों तो एक बार फिर से नेट चल गया है जुड़ गए हैं हम लोग तो स्टार्ट करते हैं तो नेक्स्ट था हमारा दोस्तों एस ए एन एस ए एन एस ए एन तो एस ए एन का फुल फॉर्म है दोस्तों आपका स्टोरेज एरिया नेटवर्क <laughs> तो आपके दोस्तों आर से रिलेटेड यहाँ पे ख़त्म होते हैं अब आता है हमारे एस से स्टार्ट हो जाते हैं एस और टी के और हम कवर करेंगे इसके बाद ही क्लास को ओवर करेंगे तो एस ए एन का फुल फॉर्म बताना है आपको तो ए सी एन का फुलफॉर्म है दोस्तों स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या है आपके सामने है स्टोरेज एरिया नेटवर्क ठीक है स्टोरेज एरिया नेटवर्क एस एन स्टोरेज एरिया नेटवर्क ठीक है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ क्या होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क तो स्टोरेज एरिया नेटवर्क स्टोरेज का हाई परफॉर्मेंस और हाई स्पीड नेटवर्क होता है दोस्तों जो कि स्टोरेज डिवाइस को सर्वर से कनेक्ट करता है ए में स्टोरेज डिवाइस का एक पूल होता है जो कि इंटरकनेक्टेड होता है एवं स्टोरेज को कनेक्टेड सर्वर से शेयर करता है सैन स्टोरेज रिसोर्सेज को कॉमन यूजर नेटवर्क में एक इंडिपेंडेंट हाई स्पीड रिसोर्स की तरह डील करता है इसमें नेटवर्क से कनेक्टेड सभी सर्वर स्टोरेज पूल को इस प्रकार एक्सेस करते हैं जैसे कि यह सर्वर डायरेक्टली कनेक्टेड हो ठीक है दोस्तों सैन में पोल्ड स्टोरेज रिसोर्सेज एवं सर्वर को एक्सेस करने के लिए सैन सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है यह मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पोल्ड स्टोरेज रिसोर्स एक कंसोलिडेटेड रिसोर्स किस तरह देखता है एवं यूज़ करता है तो ये दोस्तों इन्फॉर्मेशन थी थ्योरेटिकल अब अगर मैं सरल भाषा में आपको समझाऊँ तो क्या होता है आपका स्टोरेज एरिया नेटवर्क तो दोस्तों अगर सिंपल भाषा में कि आपके बहुत सारे स्टोरेज डिवाइस को जोड़ के एक स्टोरेज बड़ा सा स्टोर सर्वर बनाया जाता है ठीक है एक नेटवर्क सर्वर के जरिए आपको स्टोरेज डिवाइस को जोड़ा जाता है जैसे कि नॉर्मल आप वर्क कर रहे हैं किसी कंपनी का नॉर्मल कंपनी का वर्क है वो तो नॉर्मल छोटे सर्वर से हो जाएगा लेकिन आपका रेलवे का वर्क है आपका बैंकिंग का वर्क है उसमें बहुत सारा डेटा होता है तो उस इतने सारे डेटा को मैनेज करने के लिए आपको स्टोरेज एरिया नेटवर्क बनाया जाता है क्या होता है दोस्तों आपका स्टोरेज एरिया नेटवर्क होता है वो होता है सेंट एस तो वहाँ पे क्या होता है पूरा नेट देखिए रेलवे का नेटवर्क कितना बड़ा है इंडिया में तो उसका पूरा डेटा कलेक्ट करने के लिए ताकि हर स्टेशन पे हर स्टेशन मास्टर उसको यूज कर सके देख सके देखते एक जगह आपका टिकट बुक हुआ तो पूरी ऑल ओवर इंडिया अपडेट हो जाता है तो वो सारी चीज़ें वो नेटवर्क के थ्रू सारी जो आ, सर्वर है स्टोरेज सर्वर है वो पूरा ऑल ओवर इंडिया नेटवर्क के थ्रू जुड़ा रहता है जहाँ भी आप उसको ऑनलाइन करेंगे कहीं भी करेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन करवाने जाएंगे तो उनके कंप्यूटर सिस्टम में वो स्टोर रहता है तो वो है आपका स्टोरेज एरिया नेटवर्क ठीक है नेक्स्ट है साटा कल आपको बताया था पाटा और साटा दोनों कल साटा ही बताया था ये दोनों आपके हार्ड ड्रेस हार्ड ड्राइव जो है वो आपके मदरबोर्ड से कैसे जुड़ी होती हैं उसके टाइप्स थे आपकी हार्ड ड्राइव दो तरीके की होती है आपके डेस्कटॉप uh, में पी में साटा और पाटा दो तरीके से जुड़ी हुई होती हैं तो आज पढ़ेंगे हम साटा के बारे में कल पी से रिलेटेड था तो पाटा बताया था तो साटा है दोस्तों आपका सीरियल ए ठीक है साटा का था पैरेललिटी और सीरियल एटीए है आपका साटा याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है इसलिए सीरियल एटीए साटा ठीक है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं आपको तो सीरियल एटीए यानी कि साटा एब्रिविएटेड फॉर्म सीरियल एटी अटैचमेंट ठीक है इज आ कंप्यूटर बस इंटरफेस ही बस इंटरफेस है दैट कनेक्ट होस्ट बस एडाप्टर टू मास स्टोरेज डिवाइस यानी कि आपकी हार्ड ड्राइव सच है जिस लिखा हुई हार्ड ड्राइव्स ऑप्टिकल ड्राइव्स एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव मतलब कि आपकी एस एस डी हार्ड डिस्क या आपकी सी डी इनको आपके मदरबोर्ड से कनेक्ट कैसे किया जा सकता है वो है आपका कैसे किया जाता है वो है आपका साटा या सीरियल ए टी है अब इसके देखिए ये है आपके सामने एक इमेज है उससे आप अच्छे समझ पाएंगे ये आपकी साटा केबल है ठीक है और ये आपका मदरबोर्ड का पोर्ट है तो ये वाली जो पिन है ये आपकी यहाँ पे लगेगी इन पोर्ट में लगेगी और जो दूसरी साइड की पिन होगी वो आपकी हार्ड डिस्क में चाहे सॉलिड स्टेट हार्ड डिस्क हो या हार्ड डिस्क ड्राइव हो एस या हार्ड ड्राइव दोनों में वहां से अटैच कर सकते हैं तो यहाँ से ये दोस्तों आपकी इमेज के थ्रू भी आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे साटा को ठीक है या जाने से हमने एस ए टी ए साटा यानी कि सीरियल ए टी ए नेक्स्ट है आपके सामने एस ए एक्स ऐसे एक्स का फुल फॉर्म बताना है ओ माय गॉड फिर वफर चलिए बताना है आपको ऐसे एक्स का फुल फॉर्म बताना है तो दोस्तों ऐसे एक्स का फुल फॉर्म है आपका सिंपल एपीआई ऑफ एक्सएमएल क्या है ऐसे एक्स का फॉर्म क्या है दोस्तों सिंपल ए पी आई ऑफ एक्स एम एल ठीक है तो ऐसे एक्स का फुल फॉर्म याद रखेंगे सिंपल ए पी आई ऑफ एक्स एम एल ठीक है ऐसे एक्स का फुल फॉर्म है सिंपल ए पी आई ऑफ एक्स एम एल इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं तो ऐसे एक्स सिंपल ए पी आई फॉर एक्स एम एल इज़ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम ये क्या है दोस्तों आपका एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है ठीक है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस सॉरी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस यानी कि एपीआई दैट अलाउज़ अ प्रोग्रामर एक प्रोग्रामर को अलाउ करता है टू इंटरप्रेट ऑफ वेब फाइल दैट यूज द एक्सटेंसीबल मार्कअप लैंग्वेज यानी कि एक्सएमएल दैट इज़ वेब फाइल जो वेब होती है क्या वेब फाइल दैट डिस्क्राइब अ कलेक्शन ऑफ डेटा जो कि एक वेब फाइल होती है जो आपके कलेक्शन ऑफ डेटा को डिस्क्राइब करती है ठीक है दोस्तों याद रखेंगे आप ऐसे एक सिंपल ए पी आई फॉर सेवन चलिए नेक्स्ट आपके सामने एस बी पी टू एस बीपी टू का फॉर्म बताएंगे एस बी पी टू का फॉर्म बताएंगे क्या है तो दोस्तों आपका एस बी पी टू का फॉर्म है सीरियल बस प्रोटोकॉल टू एस बी पी होता है आपका सीरियल बस प्रोटोकॉल याद रखेंगे एसबीपी होता है आपका सीरियल बस प्रोटोकॉल तो बस टू टू ही होगा बस सीरियल एस बी पी से याद रखेंगे सीरियल बस प्रोटोकॉल यानी कि आपका सीरियल बस प्रोटोकॉल टू ठीक है एस बी टू एस बी पी टू यानी सीरियल बस प्रोटोकॉल टू नेक्स्ट है दोस्तों एस बी यू एस बी यू के बारे में बताना है एस बी यू एस बी यू का फुल फॉर्म बताएं एस बी यू का फुल फॉर्म है दोस्तों स्टैंडर्ड विल्ड यूनिट क्या है दोस्तों स्टैंडर्ड विल्ड यूनिट एस बी यू याद रखेंगे दोस्तों एस बी यू का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड विल्ड यूनिट ठीक है एस बी यू का फुल फॉर्म क्या है स्टैंडर्ड विल्ड यूनिट याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार बोल रहा हूँ एस बी यू एस बी यू का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड विल्ड यूनिट चलिए नेक्स्ट इसके बारे में कुछ जान लेते हैं तो स्टैंडर्ड बिल्ड यूनिट यानी कि एस बी यू आर मेथड ऑफ एप्रोमैक्स एप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कंपाइल एंड इंस्टॉल अ पैकेज बैन विल्डिंग्रोर्डिंग सॉरी अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन इन द लिनक्स फ्रॉम स्क्रैच और बियॉन्ड लिनक्स फ्रॉम स्क्रैच ठीक है दोस्तों तो आपका स्टैंडर्ड बिल्ड यूनिट क्या होता है ये मेथड है प्रिडिक्टिव अप्रोक्सीमेटली ठीक है हाउ लॉन्ग इट विल टेक अ कंपाइल एंड इंस्टॉल पैकेज बैन बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन इन द लिनिक्स फ्रॉम स्क्रैच और बियॉन्ड लिनिक्स फ्रॉम स्क्रैच दोनों में इसका याद रखेंगे अब आता है आपका एस सी एस आई एस सी एस आई का फुल फॉर्म बताना है आपको एस सी एस आई का फुल फॉर्म क्या है बताएंगे एस सी एस आई एस सी एस आई का फुल फॉर्म बताएंगे तो दोस्तों एस सी एस आई का फुल फॉर्म है आपका स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस ठीक है ये एक कोई डिवाइसेस को अगर आपको कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट करना है तो वो है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा आपको इमेज भी ली है मैंने तो उससे स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस तो एस सी एस आई का फुलफॉर्म है आपका स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस जानते हैं इसके बारे में तो द स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस यानी कि एस सी एस आई इज़ अ सेट ऑफ पैरल इंटरफेस स्टैंडर्ड डेवलप बाई अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ए एन एस आई का फुल फॉर्म है आता भी एग्जाम में याद रखेंगे अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट तो ये ए, अमेरिकन ए एन एस आई द्वारा डेवलप एक पैरेलल सेट ऑफ पैरेलल इंटरफेस स्टैंडर्ड है फॉर किस चीज़ के लिए फॉर अटैचिंग प्रिंटर प्रिंटर को अटैच करने के लिए या डिस्क ड्राइव स्कैनर एंड अदर पेरिफेरल टू कंप्यूटर जो आपकी पेरिफेरल डिवाइस होती हैं उनको कंप्यूटर से अटैच करने के लिए आपका ए एन एस आई के द्वारा बनाया गया एक सेट ऑफ पैरेलल इंटरफेस स्टैंडर्ड है देखिए ये आपके सामने दिया गया है इस टाइप का इंटरफेस होता है आपके कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है जहाँ से आप यहाँ के, के थ्रू केबल के थ्रू आप अपने प्रिंटर को डिस्क ड्राइव को या स्कैनर को जोड़ सकते हैं अपने कंप्यूटर से जितनी पेरीफेल डिवाइस है उनको जोड़ सकते हैं नेक्स्ट है एस डी एल एस डी एल बताना है आपको एस डी एल के बारे में एस डी एल का फुल फॉर्म बताना है तो दोस्तों एस डी एल का फुल फॉर्म है बताइए आप बताइए एस डी एल का फुल फॉर्म वहराम जी बताइए फुल फॉर्म क्या है एस डी एल चलिए तो एस डी एल का फुल फॉर्म है सिंपल डायरेक्ट मीडिया लेयर क्या है दोस्तों एस डी एल का फुल फॉर्म याद रखेंगे सिंपल डायरेक्ट मीडिया लेयर ठीक है तो एस डी एल का फुल फॉर्म है दोस्तों सिंपल डायरेक्ट मीडिया लेयर ठीक है एस डी एल अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि सिंपल डायरेक्ट मीडिया लेयर इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर ये क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है डेवलपमेंट लाइब्रेरी डिजाइन लाइब्रेरी डिजाइन टू प्रोवाइड अ हार्डवेयर एब्सट्रेक्शन लेयर किस चीज के लिए हार्डवेयर एब्सट्रैक्शन लेयर फॉर कंप्यूटर मल्टीमीडिया हार्डवेयर कंपोनेंट ठीक है दोस्तों ये था आपका एस डी एल तो दोस्तों इन सिंपल भाषा में समझे तो एस डी एल क्या होता है आपका कि हार्डवेयर में देखो कोई भी आपका हार्डवेयर में एक ट्रेडिशनल तरीके से ठीक है इसमें सिंपल सी बात हमें देखिए सिंपल डायरेक्ट मीडिया लेयर इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है जो आपकी लाइब्रेरी डिज़ाइन टू प्रोवाइड अ हार्डवेयर एब्रेक्शन लेयर और किस चीज़ के लिए कंप्यूटर मल्टीमीडिया हार्डवेयर कंपोनेंट ठीक है इससे याद रखेंगे नेक्स्ट दोस्तों आपका एस डी के बारे में बताएंगे एस का फुल फॉर्म बताएंगे एस का फुल फॉर्म बताएंगे SDN का फुल फॉर्म बताएंगे तो एस डी एन का फुल फॉर्म है दोस्तों आपका सीरी सर्विस डिलीवरी नेटवर्क क्या है दोस्तों सर्विस डिलीवरी नेटवर्क एस डी एन का फुल फॉर्म है सर्विस डिलीवरी नेटवर्क एस डी एन का फुल फॉर्म है सर्विस डिलीवरी नेटवर्क याद रखेंगे दोस्तों एस डी एन का फुल फॉर्म सर्विस डिलीवरी नेटवर्क ठीक है अब आता है दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपका एस डी आर एस डी आर का फुल फॉर्म बताना है आपको क्या है इंपॉर्टेंट है एस डी आर एस डी आर का फुल फॉर्म बताएं एस डी आर का फुल फॉर्म बताएंगे आंसर देंगे इंपॉर्टेंट है तो एस डी आर का फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेशियो क्या होता है दोस्तों ये होता है आपका सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेशियो ठीक है तो एस डी आर का फुल फॉर्म है दोस्तों आपका सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेशियो एस डी आर का फुल फॉर्म याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेशियो ठीक है कितना बाकी है सर बस एस के बाद हम टी अल्फाबेट भी करेंगे खुशी जी तो करीब हमारे पंद्रह से पंद्रह सोलह रहे होंगे उनको कंप्लीट करेंगे और करीब पंद्रह बीस मिनट में या आधे घंटे के अंदर निपट जाएंगे तो एस का फुल फॉर्म बताया आपको सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेशियो तो इसके बारे में भी जान लेते हैं तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेशियो इज़ रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम देखिए रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम में वेयर कंपोनेंट दैट हैव बीन ट्रेडिशनली इम्प्लीमेंटेड इन हार्डवेयर आर इंस्टीट इम्प्लीमेंटेड बाई मीन्स ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन आ पर्सनल कम्प्यूटर और एम्बेड सिस्टम तो दोस्तों आपके रेडियो कम्युनिकेसन में आ, क्या होता है हार्डवेयर के हार्डवेयर में ट्रेडिशनल तरीके से लागू होने वाले जो कंपोनेंट हैं आपके वो पीसी या एम्बेड सिस्टम में सॉफ्टवेयर से माध्यम से लागू किए जाते हैं आपके हार्डवेयर में आ, जो आपका रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके हार्डवेयर में आ, जो आपके लागू होने वाले ट्रेडिशनल तरीके से लागू होने वाले कंपोनेंट हैं उनको सॉफ्टवेयर के थ्रू सॉफ्टवेयर के माध्यम से लागू किया जाता है ठीक है याद रखेंगे ये आपका एस सॉफ्टवेयर डिफाइन रेस्यू अब आता है दोस्तों एस डी रैम एस डी रैम का फुल फॉर्म बताना है आपको एस डी रैम तो दोस्तों आपके रैम का एक टाइप है ये पार्ट है तो एस डी रैम का फुल फॉर्म बताएं तो एस डी रैम का फुल फॉर्म है दोस्तों सिंक्रोनोमस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी तो क्या है दोस्तों सिंक्रोनोमस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी तो एस डी एस डी रैम आपका फुल फॉर्म क्या है सिंक्रोनोमस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये रही आपके सामने तो सिंक्रोनोमस डायनेमिक रेंडम एक्सेस मेमोरी इज एनी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी वेयर द ऑपरेशन ऑफ इट्स एक्सटर्नल पिन इंटरफेस इज कॉर्डिनेटेड बाई एंड एक्सटर्नली सप्लाइड क्लॉक सिग्नल ठीक है तो यह भी आपकी एक क्या है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है जहाँ पर आपके ऑपरेशन जो हैं वो इट एक्सटर्नल पिन इंटरफेस के साथ कॉर्डिनेट बाई एक्सटर्नली सप्लाइड क्लॉक सिग्नल ठीक है अब आता है आपके साथ एस एफ टी पी एस एफ टी पी एस एफ टी पी का फुल फॉर्म बताएंगे तो दोस्तों एस एफ टी पी पी का दो फुल फॉर्म है याद रखेंगे एस एफ टी पी से रिलेटेड दो हैं फर्स्ट याद रखेंगे आप सिक्योर एफ टी पी सिक्योर एफ टी पी क्या होता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एस टी पी पहला है इसका और दूसरा याद रखेंगे आप सिंपल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक तो सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और दूसरा सिंपल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल तो दोनों याद रखेंगे एस एफ टी पी से सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड सिंपल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ठीक है चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं एस एच डी एस एल अब आता है आपके सामने एस एच डी एस एल इसका फुल फॉर्म बताना है आपको एस एच डी एस एल बताइए एस एच डी एस एल तो एस एच डी एस एल का फुल फॉर्म है सिंगल पेयर हाई स्पीड डिजिटल सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर लाइन क्या है दोस्तों सिंगल पेयर हाई स्पीड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन तो देखो डीएसएल तो आपको पता होता है डीएसएल का फुल फॉर्म जो होता है वो दोस्तों आपका होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन याद रखेंगे डीएसएल होता है आपका डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और एसएच क्या है सिंगल पेयर हाई स्पीड याद रखेंगे एस एच डीएसएल सिंगल पेयर हाई स्पीड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ठीक है नेक्स्ट इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ दोस्तों क्या होता है तो सिंगल पेयर हाई स्पीड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इज अ फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ये क्या है एक फॉर्म किसका है सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का इसमें डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में फॉर इक्वल ट्रांसमिट मतलब कि जो आपके डेटा है फॉर इक्वल ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा रेट ओवर कॉपर टेलीफोन लाइन टेली कॉपर टेलीफोन लाइन पर जो आपके डेटा है वो इक्वल ट्रांसमिट हो और इक्वल रिसीव हो ठीक है फास्टर देन कन्वेंशनल बॉयस बैंड मॉडेम कैन प्रोवाइड इट ठीक है तो so ये चीज़ भी आप याद रखेंगे नेक्स्ट है दोस्तों एस आई एम डी एस आई एम डी का फुल फॉर्म आपको बताना है एस आई एम डी एस आई एम डी का फुल फॉर्म बताएंगे एस आई एम डी का फुल फॉर्म बताना है दोस्तों एस आई एम डी तो एस आई एम डी का फुल फॉर्म है दोस्तों आपका सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा देखिए यहीं से समझ में आ जाएगा एस आई एम डी क्या है आपका सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा देखिए सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा तो याद रखेंगे एस आई एम डी सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा फिर इसके बाद आता है आपका एस आई एम एम एस आई एम डी के बाद आता है आपका एस आई एम एम एस आई एम डी याद रखेंगे सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा अब आता है आपका एस आई एम एम तो एस आई एम एम आपको बताना है एस आई एम एम क्या होता है एस आई एम एम होता है दोस्तों आपका सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल क्या होता है एस आई एम एम याद रखेंगे ये भी सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल ठीक है सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल भूपेन्द्र जी बड़े दिनों बाद आए हैं आज क्लास में आप तो एस आई एम का फुल फॉर्म है सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल बहुत सही आंसर आपका चलिए तो इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपके सामने ये रही कि एस आई एम जो है उसका पूरा नाम है सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल जो एज कनेक्टर वाले छोटे सर्किट बोर्ड होते हैं जिन्हें रैम चिप को रखा जाता है मतलब जहाँ आपके रैम रैम स्लॉट होते हैं आपके मदरबोड में वो होते हैं आपके एस आई एम एम इन एस आई एम एम को सम्मिलित करने के लिए मदरबोर्ड पर स्लॉट की सुविधा दी जाती है ऐसा ई एम एम कनेक्टर और मदरबोर्ड पर स्थित स्लॉट मेटल के होते हैं जिसे सोना या टिन मतलब आपकी आ, सोने या टिन से बने हुए ये कनेक्टर होते हैं ठीक है याद रखेंगे अब आता है भूपेंद्र जी सर यस सर वाज बिजी इन सम बिजनेस स्टफ ओके कोई दिक्कत नहीं चलिए बाकी आपके एग्ज़ाम कैसा गया आपका शायद सिक्सटीन को एग्ज़ाम था सी एच एस एल का अब आपको बताना है एस एम बी आई ओ एस तो सिंपल भाषा में एस एम बाई का फुल फॉर्म बताना है आपको एस एम का फुल फॉर्म बताना है एस एम का फुल फॉर्म बताना है चलिए तो एस एम का फुल फॉर्म देखते हैं क्या है तो एस एम का फुल फॉर्म है सिस्टम मैनेजमेंट बायोस क्या है दोस्तों सिस्टम मैनेजमेंट बायोस याद रखेंगे सिस्टम मैनेजमेंट बायोस एस एम का फुल फॉर्म है सिस्टम मैनेजमेंट बायोस यस yes सर 87 सेवन अटैम्प्ट हैं हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी फिर तो हो जाएगा आपका 100 परसेंट हो जाएगा क्योंकि तो 87 अच्छा मार्क है बहुत अच्छा स्कोर होगा आपका भूपेन्द्र जी आप सेकेंड एग्जाम की तैयारी करने लग जाइए अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा ठीक है चलिए एस एम बायोज का है सिस्टम मैनेजमेंट बायोस इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ये रही है आपके सामने कंप्यूटिंग में अ सिस्टम मैनेजमेंट बायोस जो है वो स्पेसिफिकेशन डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन बी यूज टू रीड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्रोड्यूसड बाय बायोस ऑफ कंप्यूटर तो आपका जो कंप्यूटर का बायोस है जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन uh, को प्रोड्यूस करता है उसके लिए यूज होता है आपका मैनेजमेंट सिस्टम मैनेजमेंट बायोस ठीक है नेक्स्ट एस एम टी पी इम्पोर्टेंट है दोस्तों याद रखेंगे एस एम टी पी का इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है एग्जाम में एस एम टी पी एस एम टी पी का फुल फॉर्म बताएंगे तो भूपेन्द्र जी नेक्स्ट जो सिलेबस है हमारा 27 तारीख से हम आ, कंप्यूटर का क्योंकि लगभग लगभग लग 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 सारा कोर्स कंप्लीट हो गया है और एब्रीविएसन बचे थे तो वो कंप्लीट कर लेंगे हम और एब्रीविएसन पार्ट थोड़ा बोरिंग पार्ट होता है लेकिन मैंने सोचा कोई भी पार्ट कंप्यूटर का मिस ना हो इसलिए इनको कम्प्लीट करा दिया है आज इसीलिए चार अल्फ़ावेट से रिलेटेड लिए चार कर ले लेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे फिर दो मैराथन क्लास के बाद सत्ताईस तारीख से दोबारा से आ, एक नया टॉपिक आपका स्टार्ट होगा स्टैटिक जी के सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बिल्कुल सही आंसर है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एस का फुल फॉर्म आपका सिंपल मेल ट्रांसफर ट्रांसफर प्रोटोकॉल बिल्कुल सही आंसर दिया आपने भूपेन्द्र जी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो स्टैटिक जी के स्टार्ट होगा आपका 26 या 27 तारीख से अब एस के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ तो एस यानी कि आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज एन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आप जानते ही हैं किस चीज़ के लिए इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि आपके ईमेल ट्रांसमिशन के लिए एज अ इंटरनेट स्टैंडर्ड एज एन इंटरनेट स्टैंडर्ड एस एम टी पी डिफाइंड सबसे पहले कब डिफाइंड किया था 1982 में 1982 में किसके द्वारा आर एफ सी एट ट्वेंटी वन आर एफ सी एट ट्वेंटी वन के अपडेट हुआ कब 2008 में बाई आर एफ सी फाइव थ्री टू वन के द्वारा ठीक है नेक्स्ट है आपका एस पी एस पी का फुल फॉर्म बताना है आपको एस पी एस पी का फुल फॉर्म बताएं एस पी का फुल फॉर्म बताएंगे एस पी एस पी का फुल फॉर्म बताएं चलिए तो एस पी का फुल फॉर्म है सर्विस पैक याद रखेंगे एस पी का फुल फॉर्म है सर्विस पैक तो किसी भी प्रोग्राम से रिलेटेड ये अगर उसकी इन्फॉर्मेशन है सर्विस पैक आपको जाना है तो एस पी टर्मिनोलॉजी होती है क्या फुल फॉर्म है उसका दोस्तों सर्विस पैक बहुत सही आंसर आपका भूपेन जी सर्विस पैक इज़ राइट आंसर चलिए सर्विस पैक क्या है इन कंप्यूटिंग आ सर्विक सर्विस पैक कॉम्प्राइज कॉम्प्राइज आ कलेक्शन रिलेटेड टू विंडो वर्जन बिल्कुल सही बोला आपने विंडो वर्जन में जैसे ही आप विंडो की आप अपने माय कंप्यूटर में जाके प्रॉपर्टीज़ में विंडोज़ पे क्लिक करेंगे तो वो आपका सर्विस पैक खुल जाएगा वहाँ आपको पूरी विंडो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कॉम्प्राइज ए कलेक्शन ऑफ अपडेट्स फिक्सेस और इन्हेंसमेंट टू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिलीवर्ड इन द फॉर्म्स ऑफ सिंगल इंस्टॉलेबल पैकेज ठीक है जो आपका इंस्टॉल्ड uh, है पैकेज तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन सारी कोई भी फिक्सेस इन एनहेंसमेंट हो अपडेट हो वो आपको पता चल जाएंगे नेक्स्ट आता है एस पी आई एस पी आई का फुल फॉर्म बताना है आपको एस पी आई एस पी अभी जाना सर्विस पैक अब एस पी आई के बारे में बताएंगे एस पी आई चलिए तो एस पी आई का फुल फॉर्म देखते हैं हम क्या है तो आपका एस का फुल फॉर्म है दोस्तों सीरियल पेरीफेरल इंटरफेस क्या है दोस्तों सीरियल पेरीफेरल इंटरफेस भूपेन्द्र जी बिल्कुल सही आंसर दिया आपने सीरियल पेरीफेरल इंटरफेस एस पी आई सीरियल पेरीफेरल इंटरफेस सही आंसर दिया आपने अब इसके बाद आता है एस क्यू एल एस क्यू एल भी आपका इंपॉर्टेंट है एस क्यू एल का फुल फॉर्म बताएंगे एस क्यू एल का फुल फॉर्म बताएंगे एस पी आई होगा आपका सीरियल क्वेरीफेरल इंटरफेस अब आता है एस क्यू एल एस क्यू एल का फुल फॉर्म बताएंगे तो एस क्यू एल का फुल फॉर्म है दोस्तों आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बिल्कुल सही आंसर दिया आपने भूपेन जी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एस क्यू एल तो याद रखेंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ये रही है आपकी एस क्यू एल का मतलब होता है एस क्यू एल का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इसका उपयोग यूज इन डी वी एम एस टू एक्सेस डेटा बिल्कुल आपने सही बोला आपका आ, जो रिलेशनल डेटाबेस एस क्यूएल हो गया या आपका Oracle हो गया ये सारे आपके क्या हैं डी वी एम एस सॉफ्टवेयर हैं तो याद रखेंगे इसका उपयोग लेकिन किस में होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होता है यानी कि आपके आई डी एम एस में डेटा संग्रहित करने और मैनेजमेंट डेटा को मैनेज करने के लिए किया जाता है यह ना ओके अब तो बफरिंग नहीं हो रही ना भूपेन जी आंसर दीजिए एस यू एस का फुल फॉर्म तो चलिए सिंगल यूनिक्स स्पेसिफिकेशन याद रखेंगे एस यू एस सिंगल यूनिक्स स्पेसिफिकेशन ठीक है एस यू एस का फुल फॉर्म है दोस्तों सिंगल यूनिक्स स्पेसिफिकेशन एस यू एस सिंगल यूनिक्स स्पेसिफिकेशन फिर इसके बाद आता है दोस्तों एस बी डी एस वी डी का फुल फॉर्म बताना है आपको एस वी डी एस वी डी का फुल फॉर्म बताएंगे चलिए तो एस बी डी का फुल फॉर्म है दोस्तों आपका स्ट्रक्चर्ड बी एल एस आई डिज़ाइन क्या है आपका स्ट्रक्चर्ड बी एल एस आई डिज़ाइन याद रखेंगे आपका जो एस बी डी है वो है स्ट्रक्चर्ड बी एल एस आई डिज़ाइन और बी एल एस आई का क्या होता है वेरी लार्ज बी एल एस आई का फुल फॉर्म बताएंगे आपकी जो चिप होती थी तो थर्ड या फोर्थ जन, थर्ड जनरेशन में बी का यूज किया जाता था बफर तो नहीं हो रहा है ना मेरे मोबाइल में बफर दिखा रहा है नहीं बफर नहीं हो रहा है ठीक है तो एस का स्ट्रक्चर बी एल एस आई डिज़ाइन ठीक है याद रखेंगे और वेरी लार्ज स्केल हाँ बिल्कुल सही बोला आपने वेरी लार्ज स्केल इंट्रीगेशन और यू एल एस आई होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंट्रीगेशन तो याद रखेंगे आप ये भी याद रखना चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट रहता है बी एल एस आई यू एल एस आई तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो याद रखेंगे ठीक है स्ट्रक्चर बी एल एस आई डिज़ाइन नेक्स्ट है आपका एस बी जी एक फाइल फॉर्मेट होता है आपका एस बी जी एसबीजी का फुल फॉर्म बताएंगे तो एस का फुल फॉर्म है स्किल बेक्टर ग्राफिक्स हाँ स्किल बेक्टर ग्राफिक्स याद रखेंगे एस का फुल फॉर्म स्किल बेटर ग्राफिक्स ये आपका क्या है एक फ़ाइल फॉर्मेट है किस चीज़ के लिए आपकी पिक्स वगैरह या एस टाइप फॉर्मेट की कुछ फाइल्स होती हैं उनका फॉर्मेट है स्केवल बैक्टर ग्राफिक्स इससे रिलेटेड आपने देखे होंगे कुछ पहले गेम्स आते थे छोटे छोटे से गेम्स होते हैं वो एस बी फॉर्मेट में होते थे तो उनके लिए आपको अलग से एस प्लेयर डाउनलोड करना पड़ता था और वो छोटे छोटे से फॉर्मेट के गेम होते थे और प्रोग्राम टाइप गेम होते थे कि आप उनको एस बी टाइप की फ़ाइल होती थी उनको ग्राफिक्स फ़ाइल होती थी उनको जैसे ही आप ओपन करते थे वो गेम को प्ले कर सकते हैं नेक्स्ट है एस बी जी एस बी जी ए बताना है आपको एस बी जी एस बी जी ए का फुल फॉर्म बताना है एस बी जी एस बीजीए का फुल फॉर्म है सुपर वीडियो ग्राफिक्स अरे याद रखेंगे एस बी जी ए का फुल फॉर्म क्या है सुपर वीडियो ग्राफिक्स अरे याद रखेंगे एस बी जी ए सुपर वीडियो ग्राफिक्स अरे चलिए नेक्स्ट है हमारा देखिए जैसे बीजीए जो फाइल होती है बीजीए जो केबल होती है सुपर वीडियो ग्राफिक्स अरे तो बीजीए आपने देखा होगा बीजे केवल आपके सामने आप एक मॉनिटर uh, से और आपके सी को जो जुड़ती है उस टाइप की होती है ठीक है तो ये आपके सामने इमेज दी गई है तो ये बीजे केवल है आपकी एक ठीक है जो आपके मॉनिटर को आपके सी से जोड़ती है ठीक है और इसकी क्वालिटी अच्छी होनी तो चाहिए ताकि आपके मॉनिटर पे जो ग्राफिक्स हैं वो प्रॉपर आए अगर आप ये लोकल क्वालिटी की लगाएंगे तो आपके मॉनिटर पे आ, कुछ धब्बे धब्बे टाइप के दिखेंगे तो वो कभी भी इस टाइप का अगर आपके मॉनिटर में एक इशू दिखता है कि आपको प्रॉपर स्क्रीन नहीं दिख रही है जो आपकी स्क्रीन है वो थोड़ी सी डल दिख रही है तो इसका मतलब कि आपकी जो बीजी है केवल है वो या तो अच्छी क्वालिटी की नहीं है ख़राब हो गई है ठीक है याद रखेंगे नेक्स्ट अब आते हैं हम टी अल्फ़ाबेट पर तो टी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड टोटल शायद दस वो हैं तो इनको भी हम जल्दी से ख़त्म करेंगे फिर एक शॉर्ट रिवीजन लेंगे सारे जितने भी आज क्लास में हमने कवर किए उनका एक शॉर्ट रिवीजन लेंगे पाँच मिनट के अंदर तो टी अल्फ़ाबेट्स रिलेटेड सबसे पहले टी वी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रखेंगे और भूपेंद्र जी आप क्लासेस में नहीं आ रहे थे लेकिन टी वी से रिलेटेड आप जो पूरी सुबह साढ़े सात बजे आप आ, मैं कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ स्पेशल क्लास में वो देख सकते हैं वहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चन डेली जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं उनसे रिलेटेड रोज़ एक प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है सात आठ प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं टेराबाइट बिल्कुल सही आंसर स्टोरेज वो है यूनिट है आपकी तो टेराबाइट याद रखेंगे टी का फुल फॉर्म क्या है आपका टेरा बाइट और ये आपकी टेराबाइट आज की डेट में जो जनरल फॉर्म में यूज़ होती है उनमें सबसे बड़ी यूनिट है जो जनरल फॉर्म में यूज़ होती है उसमें टेराबाइट जो लोकल आप पर्सनल यूज़ करते हैं उसमें सबसे बड़ी यूनिट है और सबसे छोटी होती है आपकी बिट वो भी याद रखेंगे ओके श्योर सर तो कल सुबह साढ़े सात बजे मिलेंगे स्पेशल क्लास में ठीक है आठ कल शायद आठवें नंबर का हमारा प्रैक्टिस सेट है एक घंटे का होता है वो देखेंगे अब है टी सी पी टी सी पी का फुल फॉर्म बताना है टी सी पी टीसीपी का फुल फॉर्म बताएंगे तो टीसीपी का फुल फॉर्म है सॉरी तो टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या है ट्रांसमिशन ट्रांसफर नहीं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ठीक है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखेंगे फिर आता है टीसीआईपी टीसीपीआईपी आई पी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट है टीसीपीआईपी टी सी पी आई पी और तो टी सी पी आई पी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल ठीक है ये दोनों से मिलके आपका बनता है आपका आईपी और टीसीपी ये दोनों अलग अलग टर्म से लेकिन दोनों को मिलके बनता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल तो टीसीपीआईपी याद रखेंगे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल बिल्कुल सही भूपेन जी सही आंसर दिया आपने अब इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है क्योंकि इंपॉर्टेंट है टी का अर्थ होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आई का इंटरनेट प्रोटोकॉल तो ये नियमों का एक समूह है दोनों को जोड़ के बनाया गया जो इंटरनेट कैसे वर्क करता है यह निर्णय करता है यह डिसाइड करता है कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है टीसीपी आईपी कंप्यूटर और नेटवर्क के मध्य जो उन दोनों के बीच कम्युनिकेशन बनाने वाले जितने प्रोटोकॉल हैं उनका एक समूह होता है उनका एक ग्रुप होता है ठीक है याद रखेंगे नेक्स्ट है आपके सामने टी टी डी एम ए का फुल फॉर्म बताना है आपको टी डी एम ए टी डी एम ए का फुल फॉर्म बताएंगे चलिए तो टी डी एम ए का फुल फॉर्म है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस याद रखेंगे टीडीएमए का फुल फॉर्म है आपका टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस क्या है टी डी एम ए टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस बिल्कुल सही आंसर भूपेंद्र जी आपका और इसके बाद आप आते हैं हम टी एम पी टी एम पी अगर आपका एग्जाम पे आएगा तो कैसे लिखाएगा टेम्प्रोरी चलो मैंने वो दे दिया लेकिन एग्जाम तो अगर एग्जाम में आएगा आपका तो इस तरीके से लिखाएगा टी एम पी मतलब एम और पी जो होंगे वो स्मॉल लेटर में होंगे तो टी एम पी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है टेम्प्रेरी ठीक है याद रखेंगे टी एम पी का फुल फॉर्म होता है टेम्परेरी ठीक है भूपेन्द्र जी टी एम पी का फुल फॉर्म है टेम्प्रेरी इसके बाद आता है टी टी ए टी टी ए का फुल फॉर्म बताना है आपको टी टी ए टीटीए का फुल फॉर्म बताइए टी टी ए का फुल फॉर्म तो टी टी ए का फुल फॉर्म है ट्रू टैप ऑडियो क्या है टीटीए का फुल फॉर्म याद रखेंगे ट्रू टैप ऑडियो टी का फुल फॉर्म है ट्रू टैप ऑडियो चलिए नेक्स्ट है आपका टी टी इसका फुल फॉर्म बताना है आपको बिल्कुल सही ट्रू टैप ऑडियो आपका भूपेन जी आप बताएंगे टी टी एफ टी टी एफ का फुल फॉर्म बताना है इंपॉर्टेंट है टी टी एफ तो टी टी एफ का फुल फॉर्म है आपका ट्रू टाइप फॉन्ट क्या है दोस्तों ट्रू टाइप फॉन्ट बिल्कुल सही आंसर दिया भूपेन्द्र जी आपने ट्रू टाइप फॉन्ट टीटीएफ ट्रू, ट्रू टाइप फॉन्ट अब आता है आपका टीटीएल टीटीएल का बताएंगे आप टीटीएल का फुल फॉर्म बताएंगे तो टीटीएल का फुल फॉर्म है ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर लॉजिक ठीक है याद रखेंगे टी क्या होता है जो लॉजिक आपके लॉजिक गेट वगैरह बनते हैं तो ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर होता है वो होता है टी ठीक है याद रखेंगे टी ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर हाँ तो कोई दिक्कत ही पता नहीं तो टी टी ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक होते हैं ठीक है याद रखिए नेक्स्ट है टी एस टी का फुल फॉर्म बताएंगे टी तो टी का फुल फॉर्म है आपका टेक्स्ट टू स्पीच याद रखेंगे टी का फुल फॉर्म क्या है टेक्स्ट टू स्पीच ठीक है टी टी एस टेक्सट टू स्पीच टी टी एस याद रखेंगे टेक्स्ट टू स्पीच बिल्कुल सही भूपेंद जी टेक्स्ट टू स्पीच अब इसके बाद आता है आपका टी टी वाई अब आता है आपका टी टी वाई टी टी वाई का फुल फॉर्म याद रखेंगे क्या है तो टी टी आई टी टी वाई का फुल फॉर्म है आपका टेलीटाइप क्या है दोस्तों टेली टाइप इंपॉर्टेंट है ये टी टी वाई इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ ये क्या होता है आपका टेली टाइप होता है टेली टाइप क्या है ये आप देखिए टाइप टाइप राइटर आपके सामने एक दिख रहा होगा ये आपका क्या है एक टाइपराइटर है, टेली टाइप, राइटर है। तो टेली टाइप राइटर है तो टेली प्रिंटर इसको बोलते हैं तो इसमें एक टर्म होता है ये आपका अ टेली प्रिंटर या टेली टाइप राइटर या टेली टाइप और टी टी वाई ठीक है बिल्कुल सही आंसर दिए भूपेन्द्र जी टेलीटाइप इज एन इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस ये एक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस है दैट कैन बी यूज टू सेंड एंड रिसीव टाइप मैसेज थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन चैनल इसमें आप सीधे टाइप करके तो जो भी मैसेज को है वो भेज सकते हो ठीक है इन ए बूथ पॉइंट टू पॉइंट एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कॉन्फिग्रेशन में ठीक है दोस्तों तो याद रखेंगे टेली प्रिंटर के संदर्भ में तो दोस्तों ये थे आज के हमारे पी क्यू आर सॉरी क्यू आर एस टी से संबंधित चार अल्फ़ाबेट को आज हमने कवर किया है अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जितने भी आज के वो थे पाँच मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे थोड़ी स्पीड में करेंगे एक क्विक रिवीजन करते हैं ठीक है तो पहला जो आज का हमारा वो था वो था क्यू डी आर ठीक है तो क्यू डी आर का फुल फॉर्म था क्या दोस्तों क्वेट डाटा रेट क्या है क्वाइट डेटा रेट जहाँ पे क्वाइट डेटा रेट आपने भूपेन्द्र जी आपको पता होगा सर द क्विज इज़ ज्वाइन टू वी ऑन यूट्यूब और ऐप ऐप पर चलता है क्या नाम है आपका भूपेन्द्र जी सुबह साढ़े सात बजे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर आप ज्वाइन कर सकते हैं क्विज को सुबह साढ़े सात बजे आपका स्टार्ट हो जाता है क्विज सुबह साढ़े सात बजे से साढ़े आठ बजे तक एक घंटे का क्विज़ से होता है आपका जिसमें एक प्रैक्टिस है डेली कम्प्यूटर का लगाया जाता है जितने भी कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को मिला के Uh, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट टॉपिक नहीं होता है सारे क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं यहाँ पे तो सारे टॉपिक को मिला के आपका प्रैक्टिस सेट वहाँ पे लगवाया जाता है और 10-15 प्रैक्टिस सेट उसको लगवाए जाएंगे अभी कंप्यूटर के ठीक है और उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर देंगे आ, इसके आपके स्टेटक जी के स्टेटक जी या हिस्ट्री के स्टार्ट करेंगे ठीक है चलिए तो क्यू का कोट डेटा रेट याद रखेंगे इसके बाद आता है आपका क्यू एफ पी तो क्यू एफ पी का है क्वाड फ्लैट पैकेज याद रखेंगे क्यू एफ पी क्वाइट फ्लैट पैकेज इसके बाद आता है दोस्तों आपका क्यू ओ एस तो क्यू ओ एस का फुल फॉर्म है क्वालिटी ऑफ सर्विस याद रखेंगे क्यू ओ एस का क्वालिटी ऑफ सर्विस इसके बाद आता है आपका क्यू एफ पी क्यू एफ पी एक क्विक फाइल एक्सेस याद रखेंगे क्यू एफ पी का फुल फॉर्म है क्विक फाइल एक्सेस क्या है दोस्तों क्यू एफ पी का फुल फॉर्म क्विक फाइल एक्सेस इसके बाद आता है आर ई डी है आर डी क्योंकि इसका फुल फॉर्म है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट आपको कोई बड़ा चाहे छोटे छोटे प्रोग्राम बनाना या कोई बड़ा प्रोग्राम है तो उनको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके अलग अलग टीम बना के और उस एप्लीकेशन को डेवलप करना रैपिड डेवलपमेंट रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट यानी कि आर डी याद रखेंगे इसके बाद आता है रेडियस आर ए डी आई यू एस तो इसका फुल फॉर्म है आपका रिमोट अथेंसी डायल इन यूजर सर्विस याद रखेंगे आर ए डी आई यू एस रिमोट अथेंसी डायल इन यूजर सर्विस इसके बाद आता है दोस्तों आपका आर ए आई डी तो आर ए आई डी का फुल फॉर्म है आपका रिडनडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क आर ए आई डी का फुल फॉर्म रिडनडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क ठीक है इसके बाद आता है दोस्तों आपका आर ए आई टी तो आर ए आई टी का फुल फॉर्म है आपका रिडनडेंट एरे ऑफ इन एक्सपेंसिव टिप्स याद रखेंगे आर ए आई टी का फुल फॉर्म रिडेंडेंट एरे ऑफ इन एक्सपेंसिव टिप्स इसके बाद दोस्तों आता है आपका रैम तो रैम का तो आप जानते ही हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी ठीक है फिर इसके बाद दोस्तों आता है आपका आर ए आर पी तो आर ए आर पी का फुल फॉर्म है दोस्तों आपका रिवर्स एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या होता है आर ए आर पी रिवर्स एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल ठीक है आर ए आर पी याद रखेंगे इसके बाद आता है आपका दोस्तों आर डी बी एम एस तो आर डी बी एम एस होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर डी बी एम एस होता है आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ठीक है इसके बाद आता है आपका आर डी एफ तो आर डी एफ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों आपका रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क तो आप जो भी मेटा डेटा होता है आपका आपके कंप्यूटर में कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई आपको डेटा है उसको डिस्क्रिप्शन को डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए जो मेटा डेटा रेडी किया जाता है वो आपका है आर डी एफ रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क याद रखेंगे आर डी एफ इसके बाद आता है रियल आर ई ई ए एल तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों आपका रिकर्सिव फंक्शंस एल्गोरिथमिक लैंग्वेज तो ये आपका सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है उसका एक टर्म है रिकर्सिव फंक्शन होता है एक फंक्शन है आपका सी लैंग्वेज में याद रखेंगे नेक्स्ट है दोस्तों आपका आर एफ तो आर एफ का फुल फॉर्म होता है आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या है दोस्तों रेडियो फ्रिक्वेंसी तो रेडियो फ्रिक्वेंसी के बारे में आप तीन किलो हर्ड्स से लेकर तीन सौ गीघा हर्ड्स के बीच की जो तिरंगे होती हैं वेव्स होती हैं वो आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है ये भी याद रखेंगे अब आता है आर तो आर आपका कलर कॉम्बिनेशन है एक जो आपके कंप्यूटर पर डिस्प्ले कलर होते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो वो है आपका क्या रेड ग्रीन ब्लू तीन कलर से मिलके इसी से सारे कलर बनेंगे आपके आर रेड ग्रीन ब्ल्यू फिर आता है आर तो एक ये क्या है आपका रेड रेड ग्रीन ब्लू अल्फ़ा इसका फुल फॉर्म होगा रेड ग्रीन ब्लू अल्फ़ा याद रखेंगे आर का फुल फॉर्म रेड ग्रीन ब्लू अल्फा तो ये क्या है आपका जो जनरली आपका आर कलर है उसमें आपका एक अल्फ़ा चैनल फोर्थ अल्फा चैनल के साथ ये सप्लीमेंट करके आपका मॉडल है आर जी बी मॉडल आर जी बी आर जी बी ए मॉडल तो आर जी बी ए का फुल फॉर्म रेड ग्रीन ब्लू अल्फ़ा इसके बाद आता है आर आई पी तो आर आई पी का फुल फॉर्म है दोस्तों आपका राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों आर का फुल फॉर्म है आपका राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल ठीक है इसके बाद आता है आपका रोम तो रोम का आप जानते ही हैं रेंडम सॉरी रीड ओनली मेमोरी रैम आपका रेंडम एक्सेस मेमोरी जो कि आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है अस्थाई मेमोरी होती है और उसके विपरीत रैम होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी जो आपकी नॉन वॉलेटाइल यानी कि अस्थाई मेमोरी सॉरी स्थाई मेमोरी होती है ठीक है तो रैम और रोम दोनों जाने आपने इसके बाद आता है रोम आर ओ एम बी ठीक है तो आर ओ एम बी का फुल फॉर्म है दोस्तों आपका रीड आउट मदर बोर्ड आपके मदर बोर्ड की इन्फॉर्मेशन या मदर बोर्ड मैनुफेक्चर जानने के लिए किसने बनाया है और मदर बोर्ड कौन सा है तो वो आपका रीड आउट मदर बोर्ड ये इन्फॉमेसन आप कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे मैंने किस इन इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आप अपने मदर बोर्ड का मैनुफेक्चर और उसका नेम जान सकते हैं आकाश जी नमस्कार बड़ी लेट हो गए क्लास में फिर आता है रोम और डॉस तो रोम और डॉस दो अलग अलग टर्म्स है रोम आपका है रीड रिडोनली मेमोरी और डॉस है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों याद रखेंगे इसके बाद आता है आपका आर टी ओ एस तो आर टी ओ एस का फुल फॉर्म है दोस्तों आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे दोस्तों आर टी ओ एस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जब ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाए थे तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हैं ठीक है इसके बाद दोस्तों आया था सन एस एन तो एस एन का फुल फॉर्म है दोस्तों स्टोरेज एरिया नेटवर्क याद रखेंगे स्टोरेज एरिया नेटवर्क ठीक है इसके बाद है दोस्तों आपका साटा तो साटा आपका जो भी आपकी हार्ड ड्राइव हो या आपकी एस एस डी हो वो आपके मदरबोर्ड से जुड़ती हैं जिस टेक्निक हाँ एस बी यू तो एस बी यू का फुल फॉर्म था स्टैंडर्ड बिल्ड यूनिट याद रखेंगे एस बी यू का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड बिल्ड यूनिट ठीक है फिर इसके बाद था दोस्तों आपका एस सी एस आई तो एस सी एस आई का फुल फॉर्म था दोस्तों आपका स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस याद रखेंगे एस सी एस आई इस्मॉलॉलॉल कम्प्यूटर सिस्टम इंटरफेस इसके बाद दोस्तों हमने जाना था एस डी एल तो एस डी एल का फुल फॉर्म था सिंपल डायरेक्ट मीडिया लेयर याद रखेंगे एस डी एल सिम्पल डायरेक्ट मीडिया लेयर इसके बाद दोस्तों आपका स्टार्ट होता है एस तो एस था आपका सर्विस डिलीवरी नेटवर्क याद रखेंगे सर्विस डिलीवरी नेटवर्क यानी कि एस डी के बाद था आपका एस जो कि इंपॉर्टेंट था सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेशियो एस का फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेशियो इसके बाद दोस्तों था आपका एस डी रैम तो एस डी रैम रैम का एक टाइप है जिसका फुल फॉर्म था सिंक्रोनोमस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जानते ही है एस डी का सेंक्रोनोमस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ठीक है इसके बाद दोस्तों आपका आता है एस एफ टी पी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो एस एफ टी पी का फुल फॉर्म दो होते हैं एक तो सिक्योर एफ टी पी यानी कि सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और दूसरा है सिंपल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल याद रखेंगे दोनों ही इसके बाद होता है एस एच डी एस एल तो एस एच डी एस एल का फुल फॉर्म है सिंगल पेयर हाई स्पीड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन डी एस एल का तो आपको डी में बताया था डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और एस एच का होता है सिंगल पेयर हाई स्पीड तो पूरा हो जाएगा सिंगल पेयर हाई स्पीड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसके बाद दोस्तों आपका आता है एस आई एम डी तो एस आई एम डी का फुल फॉर्म है दोस्तों आपका सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डेटा एस आई एम डी याद रखेंगे इसके बाद आता है एस आई एम एम तो एस आई एम एम का फुल फॉर्म है दोस्तों आपका सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल याद रखेंगे सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल एस आई एम एम इसके बाद दोस्तों आता है आपका एस एम बायोस तो एस एम बायोस का फुल फॉर्म है दोस्तों आपका सिस्टम मैनेजमेंट बायोस क्या है दोस्तों एस एम बायोस सिस्टम मैनेजमेंट बायोस इसके बाद दोस्तों आता है एस एम टी पी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो एस एम टी पी का फुल फॉर्म है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों एस एम टी पी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ठीक है फिर इसके बाद आता है दोस्तों आपका एस पी देंगे एस पी का फुल फॉर्म सर्विस तो एस यूएस का फुल फॉर्म है आपका एस के बाद अगर कोई मिस हो गया हो तो एस के बाद हमने एस जाना था एस था स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो आपके आई यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट में यूज़ होता है ठीक है याद रखेंगे उसके बाद फिर हमने जाना था एस तो एस का फुल फॉर्म था सिंगल यूनिक्स स्पेसिफिकेशन याद रखेंगे एस सिंगल यूनिक्स स्पेसिफिकेशन फिर था आपका एस बी तो एस का फुल फॉर्म था स्ट्रक्चर बी डिज़ाइन और बी भी जानेंगे वेरी लार्ज और बेरी लार्ज इसका फुल फॉर्म था दोस्तों आ, क्या था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ठीक है स्ट्रक्चर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन डिजाइन ठीक है पूरा एस बी डी इसके बाद एस बी जी आपका फाइल फॉर्मेट है और इस क्या है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स याद रखेंगे एस बी जी इसके बाद आता है एस बीजीए तो जो बीजीए आपकी केबल होती उससे related है उसी से रिलेटेड है एस बी जी ए सुपर वीडियो ग्राफिक्स अरे ये आपकी वी जी केवल है जो आपके मोनिटर को आपके डेस्कटॉप से सॉरी सी पी यू से जोड़ती है नेक्स्ट है दोस्तों आपका टी वी अब आप आपके जो टी अल्फ़ावेट से रिलेटेड थे वो आ गए हैं तो टी वी का टेरावाइट फिर टेरावाइट के बाद आता है आपका टी सी पी तो टी सी पी का फुल फॉर्म है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है टी सी पी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल फिर उससे भी इंपॉर्टेंट है टी सी पी आई पी जो होता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल ठीक है याद रखेंगे टी सी पी आई पी इसके बाद आता है दोस्तों आपका टी डी एम ए तो टी डी एम ए है दोस्तों आपका टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस और टी डी एम ए क्या है टाइम डिविजनल टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस याद रखेंगे इसके बाद आता है आपका टी एम पी याद रखेंगे टी एम पी क्या है दोस्तों आपका टेम्परेरी ये भी याद रखेंगे फिर आता है टी टी ए तो टी टी ए आपका ट्रू टैप ऑडियो याद रखेंगे टी टी ए ट्रू टॉप ट्री टैप ऑडियो फिर इसके बाद आता है टी टी एफ तो टी टी एफ का फुल फॉर्म है ट्रू टाइप फॉन्ट फिर इसके बाद था दोस्तों टी टी एल तो टी टी एल का फुल फॉर्म था ट्रांजिस्टर तो ट्रांजिस्टर लॉजिक याद रखेंगे टी टी एल ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक फिर इसके बाद था टी टी एस तो इसका फुल फॉर्म था टेक्स्ट टू स्पीच टी टी एस का फुल फॉर्म है टेक्स्ट टू स्पीच और इसके बाद था टी टी वाई तो ये था आपका टेली टाइप लास्ट था दोस्तों टेली टाइप तो आज दोस्तों हमने कवर किए कौन कौन से Q, R, S और T चार अल्फाबेट आज हमने कवर कर लिए हैं और इसके बाद फिर U भी W और X क्योंकि U भी W X Y Z के कुछ हैं तो उसके मिला के भी कुछ ही, ही होंगे तो वो मिला के हम कल कर लेंगे तो कल हमारे एब्रीविएसन का जो पार्ट है वो ओवर हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा लंबा खिस गया है ज़्यादा एब्रीविएसन थे तो थोड़ी आप लोगों को शायद बोरिंग लग गया होगा कि टॉपिक हालांकि मैंने एक एक टॉपिक एक एक एब्रीविएसन को अच्छे तरीके से समझाया है लेकिन फिर भी बच्चों ने बोला सर एब्रीविएसन वैसे ही एग्ज़ाम में कम आते हैं तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो मतलब ज़्यादा इसके पार्ट हो गए हैं लेकिन मैंने क्या है कंप्यूटर कम्प्लीट आपको कम्प्लीट कराना था ताकि ये वीडियोज़ आप कभी भी देख सकें जब आपको टाइम मिले तब देख सकें और कोई भी मेरी तरफ से ऐसा कोई भी पार्ट ना हो कि आपके एग्ज़ाम में छूट सके तो मैंने अपनी तरफ से पूरा कंप्लीट करा दिया है कल और एक एबन होगा वहाँ से आपके हो जाएंगे और उसके बाद फिर एक क्लास मैं लूँगा आपके जो भी कंप्यूटर के आ, इन्वेंशन है तो इन्वेंशन पर क्लास लूँगा कंप्यूटर से रिलेटेड इन्वेंशन है उन पर लूँगा दोस्तों एक मिनट मेरे नेट शायद बफर हो रहा है क्या आपका एक बार चेक कर लेंगे लास्ट अभी खत्म करते दो मिनट के अंदर क्लास को ख़त्म करना है तो चेक कर लेंगे एक बार आई थिंक बफर नहीं हो रहा है हाँ तो दोस्तों बाकी आप लोग एम पी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है और एम पी थ्री सिक्सटी टेलीग्राम चैनल को भी लाइक कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा कोड अरविंद वन यूज करना ना भूलें सब्सक्रिप्शन प्लान में और क्लास पसंद आ रही है तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच